हेलो माई सेल्फ सत्यनारायण टीम मैथ सी तो पेपर वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2021 का सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द ट्रायंगल

जो कि x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है और दूसरा साइड x एक्सिस है सो so दिस को हम x एक्सिस मान लेते हैं ये x एक्सिस है तो ये x एक्सिस है अब यहाँ पे इसका आर्थो सेंटर दिया हुआ है क्या कहा गया है कि ट्रायंगल हैज वन कॉमा वन एज इट्स आर्थो सेंटर देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल तो ट्राइंगल के वर्टिसेज से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन चाहिए हमें तो so, हमें ये सर्कल चाहिए सो दिस सर्कल वी रिक्वायर्ड ये हमें सर्कल चाहिए तो so, ये हमारे पास वन कॉमा वन है और वन कॉमा वन सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर का एक्स एक्सिस में जो इमेज आएगा आर्थो सेंटर ये क्योंकि साइड है साइड में सेंटर को जो इमेज होती है वो सर्कल पे लाई करती है so, X तो बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस में वन कॉमा वन की जो इमेज आएगी वो वन कामा माइनस वन हो जाएगी ठीक है सो so, एक पॉइंट हमें जो सर्कल पे लाई कर रहा है वो मिल गया ये दूसरा अगर हम इसकी इमेज निकालते हैं x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो में तो इसकी इमेज अगेन इस साइड में ये हमारा माइनस टू कॉमा माइनस टू आ जाएगा हम लोग चेक कर सकते हैं कि यही है इमेज की नहीं तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू होगा तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस वन ये हम देख रहे हैं कि माइनस वन प्लस वन ये जीरो आ गया तो ये जीरो आने का मतलब क्या है कि ये हमारा इस लाइन में वन कॉमा वन का एक और इमेज आ गया जो इस सर्कल पे लाई करेगा तो वन कॉमा माइनस वन एक पॉइंट ए है इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी इस ए और बी से पास होने वाली सर्कल हमें चाहिए बी माइनस टू कॉमा माइनस टू सो अगर इन दोनों से पास होने वाली सर्कल की बात करते हैं तो ये बी ऑप्शन ही क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वन कॉमा माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है हम चेक करके देख सकते हैं वन प्लस वन प्लस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस सर्कल को ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है ये फोर हो जाएगा ये फोर हो जाएगा और ये हमारा माइनस टू हो जाएगा और माइनस सिक्स हो जाएगा तो ये प्लस फोर प्लस फोर एट माइनस एट इक्वल टू जीरो तो ये इसका मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करा रहा तो डेफिनेटली दिस एंसर इज़ आवर एंसर तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होप ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर वन अपन ने डिस्कस किया लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द रीजन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन अगर हम इन चारों को प्लॉट करते हैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है देखिए सबसे पहले तो हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर देना है ठीक है तो ये एक्स इक्ल टू ज़ीरो है और एक्स इक्ल टू नाइन बाई फोर ये टू पॉइंट समथिंग होगा ये एक्स इक्वल टू नाइन बाई फोर है ये हमारे पास है और वाई इक्वल टू वन लाइन और ये सिवा ये है ये y इक्वल टू वन लाइन है क्लियरली हम लोग देख रहे हैं और y इक्वल टू एक्स वाई थ्री ये हमने ड्रा कर दिया ये हमने ड्रा कर दिया अब हमें x प्लस वाई इक्वल टू टू तो ये नाइन बाई टू तो टू इसके पहले ही कहीं यहाँ से ये हमारा टू मान लेते हैं ये वन है तो यहाँ से ये टू ये लाइन हमारे पास इस तरीके से जाएगी ये लाइन हमने कौन सी ड्रॉ कर दी x प्लस वाई इक्वल टू टू ये हमने ड्रॉ कर दिया और जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से जाएगा ये इस तरीके से जाएगा तो जो एरिया रिक्वायर्ड बन रहा है वो बेसिकली ये एरिया हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जिसके लिए हमें ये वर्टिसेस चाहिए एक पॉडिलेटरल के वर्टिसेस चाहिए तो अगर ये वर्टिसेस चाहिए तो ये हमारे पास पहला वर्टिसेस ए जो कि नाइन बाई फोर कॉमा जीरो ही हो जाएगा ये दूसरा वर्टिसेस टू जीरो हो जाएगा इसको बी मान लेते हैं अब ये दो वर्टिसेस चाहिए तो हमें इसको सॉल्व करना है किसके साथ इसके साथ ये लाइन ये लाइन हमारी कौन सी है वाई इक्वल टू एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री के साथ सॉल्व कर ले, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू टू तो ये हो जाएगा फोर एक्स बाई तो फोर एक्स बाई थ्री इक्वल टू टू दैट मीन्स टू से टू कट गया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी थ्री बाई टू और y की वैल्यू सिमिलरली क्या मिल जाएगी y क्या है x बाई थ्री तो y हमारे पास x बाई थ्री है जो कि वन बाई टू मिल जाएगा तो हमारे पास ये C पॉइंट मिल गया ये कितना मिल गया थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू ये हमारे पास ये C पॉइंट मिल गया अब हमें ये पॉइंट चाहिए इसका x कोऑर्डिनेट तो नाइन बाई फोर ही है y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो हम इसमें पुट कर दें क्या x की वैल्यू नाइन बाई वन बाई थ्री इंटू नाइन बाई फोर ये थ्री हो जाएगा तो ये थ्री बाई फोर हो जाएगा तो ये अपने पास आ गया थ्री बाई फोर तो हमारे पास ये ए बी सी डी ये डी है अब हमें क्या फाइन करना है हमें फाइन करना है एरिया ये एरिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ द कोर्डिलेटर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल दैट विल बी ये एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में ये हमें एरिया फाइंड करना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉइंट्स को जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पेंट करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे वन बाई टू टू इंटू टू टू का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं नाइन बाई फोर कौ जीरो ठीक है फिर इसका पॉइंट लिख देंगे नाइन बाई फोर कामा थ्री बाई फोर प्लस यहाँ ध्यान देना है हम एक मॉड भी लगा देंगे वन बाई टू बाहर है और प्लस जहाँ से ये इंड किया वहीं से हमें स्टार्ट कर देना है तो नाइन बाई फोर थ्री बाई फोर और फिर हमारे पास सी पॉइंट पे आ जाना है तो थ्री बाई टू वन बाई टू ये वन बाई टू है प्लस टू इंटू टू कर जहाँ यहाँ इंड करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे तो थ्री बाई टू वन बाई टू और फिर ये टू कॉमा जीरो हो जाएगा ठीक है फिर टू कॉमा जीरो टू कॉमा जीरो फिर आगे हम देखते हैं टू कॉमा जीरो के बाद नाई जहां से हमने स्टार्ट किया था जहां स्टार्ट किया था नाइन बाई फोर कॉमा जीरो यहीं पे हमें इंट कर देना अब ये दे 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 मॉड लगा देंगे सो तो हम देखते हैं कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 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 ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा नाइन बाई फोर थ्री बाई फोर और ये जीरो हो जाएगा दूसरा तो प्लस ये क्या हो जाएगा नाइन बाई फोर वन बाई टू और माइनस थ्री बाई टू नाइन बाई फोर प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा और माइनस ये टू इंटू वन बाई टू विच इज़ वन तो डायरेक्टली मैं यहाँ वन लिख दे रहा हूँ और ये दूसरा भी जीरो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटीन तो हम लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हैं कि ये हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन नाइन बाई एट दूसरा वाला नाइन बाई एट है माइनस ये नाइन बाई एट यहाँ पे भी है देखिए ये नाइन इंटू वन नाइन बाई एट हो गया और थ्री इंटू थ्री नाइन बाई एट ये हो गया तो ये भी ज़ीरो हो गया और प्लस ये जीरो माइनस वन हो गया दूसरा वाला जीरो ही था ये कैंसिल हो गया इनफैक्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाई टू और ये ट्वेंटी सेवन माइनस न बाई सिक्सटीन आ गया विच इज़ वेरी सिंपल दिस माइनस दिस ये एलेवन आ गया तो एलेवन बाई थर्टी टू तो ये आ गया आपका एलेवन बाई थर्टी टू स्क्वायर यूनिट जो हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है ये क्वेश्चन आपको अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत लेंदी क्वेश्चन है इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है मैं एज इट इज़ डायग्राम बना दूंगा और वहाँ पे इसको समझाते हुए डायग्राम में बना दूंगा तो देखिए क्या है कि ईवन एक सेट दिया हुआ है ईवन एक सेट दिया हुआ है एफ वन सेट दिया हुआ है जी वन सेट दिया हुआ है दो एलिमेंट चूज किया गया है रैंडमली चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द ई वन एंड लेट एस वन डिनोट्स द सेट ऑफ दोज चूजन एलिमेंट एंड ई टू इज ई वन माइनस एस वन एंड एफ टू इज एफ वन यूनियन एस वन नाउट टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम

इतना लंबा प्रॉब्लम को करने का एक तरीका है कि इसका डायग्राम प्रॉपरली ड्रा कर लिया जाए और E1, E3 के इक्वल है P विदा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द S1 वन इज दिस वन एस ये हो तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जो अगले पेज पे आपको मैं ड्रा करने वाला हूं तो इन्होंने कहा है क्या कंसीडर द सेट ई वन एक सेट ई वन लिया गया है ई वन कंसीडर द सेट ई वन विच हैव द थ्री एलिमेंट वन टू थ्री ये आपका ई वन है और एक सेट एफ वन दिया हुआ है एफ वन को भी मैं यहां लिख दे रहा हूं वन थ्री फोर ये F1 है और एक सेट जीवन दिया हुआ है जीवन क्या है टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव ये हमारे पास दिया हुआ द टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द ईवन ईवन से हमें ईवन से हमें दो एलिमेंट चूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट द टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रेंडम विदाउट द रिप्लेसमेंट फ्राम द सेट ईवन एंड द एस एस वन डिनोट द सेट ऑफ दो एलिमेंट्स तो यहां से जो दो एलिमेंट चूज किया गया है वो क्या क्या है तीन केस बनेंगे यहाँ ये तीन केस बनेंगे हम तीनों केस को इधर बना रहे हैं तो पहला है अब ये जो इसका सेट है इसको एस वन से इन्होंने कहा है डिनोट कर दो तो हमारे पास एक वन कौम टू आ जाएगा ठीक है और दूसरा यहां बीच में लिख देता हूं वन 1.3, थ्री वन थ्री ये वन थ्री हो गया और लास्ट में ये टू थ्री हो गया ये टू थ्री हो, हो गया तो E1 से दो एलिमेंट जो चूज किया गया है उसको इन्होंने कहा है इसको एस वन डिनोट कर दिया अब एक टू सेट यहां निकाला गया E2 सेट E2 सेट क्या है E1 में से एस वन हमने सब कर दिया तो ई वन हमारे पास वन टू थ्री है एस वन सब कर दिया मतलब ये सब करेंगे तो पहली वैल्यू यहां क्या मिलेगी वन टू सब करेंगे E1 में से S1 वन करेंगे तो हमारे पास यहां क्या मिलेगा यहां मिलेगा वन टू इसमें से सब कर दें यहां थ्री मिलेगा और यहां क्या मिलेगा यहां वन थ्री सब कर करें यहां टू मिलेगा ये हमारा E2 है और यहां क्या मिलेगा यहां टू थ्री हटा देंगे तो वन मिलेगा तो वन बाई वन हम लोग बड़े प्रॉपरली तरीके से बिल्कुल आराम से इसको करते हैं ये क्वेश्चन काफी बड़ा है अब यहीं पे F2 कह रहे हैं कैलकुलेट करो F2 जो है वो क्या है वो F1 वन यूनियन एस है F1 वन यूनियन एस है तो F1 और यूनियन S1 कर देना है तो S1 हमारे पास 1 2 है F1 के साथ हमें यूनियन लेना है तो हमारे पास F2 मिल जाएगा तो F2 क्या सेट मिल जाएगा अब देखिए ध्यान देने वाली बात है इसमें से जो तीन चूज किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ वन बाई थ्री हो जाएगी इनकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ लिख दे रहे हैं तो वन बाई थ्री इनकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटी ये वन बाई थ्री वन बाई थ्री है शुरू की प्रोबेबिलिटी जो दो एलिमेंट चूज किया वो वन बाई थ्री वन बाई थ्री है तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये किया है अब जब एफ टू है वो एफ वन और एस वन का यूनियन है तो यहाँ हम लोग एफ वन और एफ वन और एस वन का यूनियन लेते हैं एफ वन ये है और एस वन हमारे पास ये है इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वन टू थ्री फोर आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ F1 के साथ यूनियन लेने पे वन थ्री फोर आ जाएगा वन थ्री फोर आ जाएगा वेरी सिंपल F1 और S1 का यूनियन लिया F1 ये है S1 हमारे पास ये दिया हुआ है ऊपर तो इसका हमने यूनियन ले लिया अब हम क्या करेंगे यहाँ भी वही काम करेंगे तो S1 और F1 का यूनियन ले लिया F1 ये है S1 ये है तो वन टू थ्री फोर यहाँ वन टू थ्री फोर आ गया ये हमारे पास आ गया तो F1 के साथ 1, 3, 4 के साथ यूनियन देख देते हैं F1 वन वन थ्री फोर वन थ्री फोर के साथ टू थ्री का यूनियन लेंगे तो वन टू थ्री आ जाएगा इसमें ठीक है तो ये हमारे पास पहला जो आपका आ गया तो ये हमारे पास पहला आ गया एक बार चेक कर लेते हैं इसको तो क्योंकि मैंने बना रखा है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ ठीक है हाँ बिल्कुल सही है ये हो गया तो कहीं गलती ना होने पाए आराम से हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे समझते रहिएगा आप लोग अब देखिए नेक्स्ट है ये E2 हमारा हो गया F2 भी हो गया अब नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रेंडम विदाउट द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2 अब F2 से दो एलिमेंट चूज किया गया है उसको इन्होंने बोला है S2 तो F2 से दो एलिमेंट देखिए दो एलिमेंट यहाँ चार हैं तो इसमें से दो एलिमेंट चूज करने के कितने मेथड होंगे हम लोग देखते हैं यहां हो जाएगा वन टू ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं सेट के फॉर्म में नहीं बता रहा हूं वन टू और यहां वन थ्री वन फोर फिर यहां पे टू थ्री टू फोर और फोर फाइव थ्री फोर तो दीज आर सिक्स केस एंड देयर प्रोबेबिलिटी इज़ वन बाई सिक्स इनकी प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स है ठीक है यहाँ मैं इस तरीके से ब्रेकेट बनाना चाहिए सब में तो ब्रेकेट बना देते हैं चलो बना देते हैं ये आगे बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब ये जो है ये एस टू इन्होंने बोला है कि ये एस टू है हमारा ध्यान देना है ये एस टू है ठीक है ना इन सब की प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स है वन बाई सिक्स 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 ये सबकी प्रॉबलिटी वन बाई सिक्स है यही काम यहां भी करना है यहां से हमें चूज करना है तो हमें चूज करना है दो एलिमेंट तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे वन थ्री वन फोर और थ्री फोर थ्री फोर तो ये हमने चूज किया यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है वन बाई थ्री हो जाएगी टोटल तीन केस हैं एक एक की प्रोबेबिलिटी एक वन बाई थ्री हो जाएगी वन बाई थ्री वन बाई थ्री ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो हमने क्या देखा चार में से दो के छह केस बनेंगे उसमें से सबकी प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स हो जाएगी और यहां पे वन टू थ्री फोर है तो यहां एग्जैक्टली exactly यही केस यहां भी बनेगा तो मैं ये पूरा केस एज इट इज बना दे रहा हूं यहां तो ये वन टू वन थ्री वन फोर और टू थ्री टू फोर और थ्री फोर यह हमने और वन बाई सिक्स इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाई सिक्स इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये वन बाई सिक्स इनकी प्रॉबिलिटी हो गई ठीक है अब ये एस टू आपका बन गया ठीक है अब करें एक नया सेट जी टू कैलकुलेट किया गया है तो हम लोग कलर भी यहाँ चेंज कर देते हैं तो कलर हम लोग क्या ले ले? यहाँ येलो ले लेते ले हैं ले ले ले। चलिए येलो देखते हैं फिजिबल है नहीं तो ये कलर ना चेंज करके हम लोग रेड ले, 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 ले लेते हैं रेड ले लेते ले हैं तो हम देखते हैं कह रहे हैं कि जी टू ये जी टू हमारे पास क्या आ रहा है ये कह रहे हैं कि जी वन और एस टू का यूनियन है तो अब देखिए यहाँ थोड़ा डायग्राम बहुत बड़ा होने वाला है तो जीवन जो जी टू है वो जीवन जीवन हमारे पास यहाँ जीवन देखो वहाँ मैंने लिखा हुआ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जीवन हमारे पास क्या है टू थ्री फोर फाइव ये हमारे पास जीवन की वैल्यू है जीवन और S2 का यूनियन लेना है ये सारे S2 हैं अब इनका यूनियन लेना है तो ऐसे इसका जब यूनियन लेंगे जीवन के साथ तो इसके करेस्पोंडिंग यहां हमारे पास बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ये हो जाएगा और इसके भी करेस्पॉन्डिंग वन थ्री का वन थ्री के साथ भी यही बन जाएगा तो ये बन जाएगा वन फोर के साथ भी यही बनेगा ठीक है ध्यान दीजिए ये हमारा सेट बन गया जब हमने ये g2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो s2 के साथ यूनियन लिया और इन तीनों के साथ बन जाएगा क्या इसमें वन है नहीं इसमें वन है नहीं तो जब हम टू थ्री टू थ्री और इसके साथ यूनियन लिया टू थ्री फोर टू फोर टू और थ्री फोर तो इनके सबके साथ जो है ये यूनियन हमारा टू थ्री फोर और फाइव ही बनेगा तो ये हमने बना दिया एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया इन तीनों के करस्पॉन्डिंग ठीक है अब यहाँ पे टू थ्री फोर टू थ्री फोर बिल्कुल बन गया अब ऐसे ही यहाँ भी बना देते हैं तो जीवन का एस टू के साथ यूनियन तो वन थ्री के साथ इसके करस्पॉन्डिंग वन थ्री वन फोर के करस्पॉन्डिंग वन थ्री वन फोर के करस्पॉन्डिंग वन थ्री और वन फोर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा वन टू थ्री फोर तो इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ये बन जाएगा हमारे पास थ्री फोर ये हमारे पास इन दोनों के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग थ्री फोर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास टू थ्री फोर टू थ्री फोर फाइव ही रहेगा ठीक है अब हम यही काम यहां भी करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हम बना चुके हैं डायग्राम इसके इसके करस्पॉन्डिंग वन टू थ्री फोर फाइव रहेगा और इन तीनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव रहेगा यह हमारे पास G2 तैयार हो गया अब G2 के बाद क्या कहा गया है ये देखते हैं G2 के बाद कहा गया है कि G2 टू तैयार टू एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द G2। अब G2 से दो एलिमेंट चूज किया गया है तो जब हम G2 से दो एलिमेंट चूज करेंगे तो क्या क्या होगा ये हमें बनाना पड़ेगा तो हम लोग यहां बड़े प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो G2 से फाइनली टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रेंडम फ्रॉम द G2 और उसको एस बोल दिया तो यहां मैं एस बोल दूंगा कलर यहां फिर से मैं चेंज कर दे रहा हूं ब्लैक कर दे रहा हूं ठीक है तो ये हमारे पास एस अब इससे दो एलिमेंट चूज किया गया है तो इसके दस केस बनेंगे तो मैं यहां बना के आपको पूरा दिखाना चाहता हूं कि यहाँ वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव और फिर टू थ्री टू फोर टू फाइव थ्री फोर थ्री फाइव और फोर और फाइव हो गया ये दस केस है और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी वन बाई टेन हो जाएगी सब की प्रोबेबिलिटी वन बाई टेन वन बाई टेन इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां से दो एलिमेंट चूज किया इसको भी बनाना पड़ेगा तो बना देते हैं इसको भी टू थ्री फोर क्योंकि ये और ये सेम होगा तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद तो यहां पे हम क्या ले ले तो ये टू थ्री टू फोर और टू फाइव ठीक है और फिर थ्री फोर थ्री फाइव और थ्री फोर फाइव फोर फाइव तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा ये डॉट डॉट लगा देते हैं डॉट डॉट लगा देते हैं चलिए ये हो गया जैसा यहां बना है फिगर एग्जैक्टली यहां पे भी बनेगा यहां पे भी एग्जैक्टली सेम फिगर बनेगा सेम सेम एज यहां यहां जो बना है जो बना यहां वही सेम यहां बना ये सेम यहां से यहां तक ये यह बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग और जैसा यहां बना है वैसा यहां बनेगा तो इसके करेस्पोंडिंग और इसके करस्पोंडिंग यहां बनेगा ठीक है और इसके करस्पोंडिंग जैसा यहां बना है वैसा यहां बनेगा और इसके करस्पोंडिंग भी वन टू थ्री फोर इसमें जीवन के आ, क्या कहते हैं लिया हमने वन टू थ्री फोर यहाँ आ गया अब यहाँ टू थ्री था अब यहाँ जी टू जीवन और एस टू का इसका और जीवन का तो इसमें वन टू थ्री तो यहाँ हम लोग बना देते हैं यहाँ चलिए मैं बना दे रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग जो बना है जो इसके करस्पॉन्डिंग बना है वो बना है आपका जो भी तो हम देख रहे हैं कि जब अब यहाँ से ही कंक्लूजन मिलेगा यहाँ से ही हमें कंक्लूजन मिलेगा कि अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में ही कहा है कि जो हमारा E3 होना चाहिए जो E3 होना चाहिए वो E2 और S3 का यूनियन होना चाहिए S3 हमारे पास बन चुका है E3, S3 और E2 का यूनियन होना चाहिए तो S3 हमारे पास ये बन चुका है S3 का E2 के साथ यूनियन E2 हमारे पास कहाँ आया है यहाँ इसका मतलब क्या है और ये कह रहे हैं E1 के इक्वल होना चाहिए लेकिन ये E1 क्या है वन टू थ्री देखिए E1 और E1 और E3 ये इक्वल होना चाहिए तो ये वन टू थ्री होगा ये कब होगा जब वन टू यहाँ से लिया जाएगा और थ्री इसके साथ एक केस तो ये हो गया एक केस ये हो गया यहाँ आ गया ठीक है एक केस यहाँ हो गया और एक केस यहाँ हो जाएगा जब हम यहां पे करेंगे वन टू एक केस यहां हो जाएगा और अगला केस यहां हो जाएगा वन टू का ये वन टू का ये तीन केस तो यहां हो जाएंगे ठीक है तो हमारे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ऐसे और भी यहां आएगा तो यहां पे जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी देखिए वन बाई थ्री अब ये हमें केस चाहिए वन बाई थ्री वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स और ऐसे तीन केस बनेंगे एक यहां बनेगा एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा तो थ्री बाई टेन यह वन बाई टेन वाली प्रॉबलिटी है यहां बनेगा और यहां भी बनेगा तो ऐसे वन बाई टेन तो ये हमारे पास ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा जो कि हमें कंडीशनल प्रॉब्लिटी फाइन करना है बाकी डिवाइड में अब यही चीज यहां भी आ जाएगी वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई सिक्स और थ्री टाइम्स ऑफ टेन ये आ गया एक केस एक आ जाएगा वन बाई थ्री वन बाई थ्री तो यहां तो यहां हम देख रहे हैं वन बाई थ्री और यहां भी वन बाई थ्री आ रहा है और प्लस ऐसे यहां दो केस आएंगे यहां दो केस आएंगे तो दो बाई टेन हो जाएगा और प्लस वन बाई थ्री वन बाई सिक्स और यहां पे थ्री बाई टेन यहाँ भी तीन केस आएंगे यहां भी तीन केस आएंगे यहां भी तीन केस आएंगे इन दोनों जगह तीन तीन, तीन केस आएंगे तो थ्री बाई टेन दो बार ऐड हो गया ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ये पूरा कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के बाद ये वन बाई फाइव आ जाएगा और वन बाई फाइव आते ही ये वन बाई फाइव आते ही हमारा आंसर है तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का वन बाई फाइव आ गया ये हमारा आंसर है ठीक है तो ये आंसर है थोड़ा सा इसमें डायग्राम थोड़ा तो जगह यहाँ कम पड़ गया नहीं तो हम सारा ड्रॉ करते तो सारी चीज़ें दिखती तो देखिए हमने क्या किया ये प्रॉब्लिटी क्या है ई और ई इक्वल हो जाए ई को हमें वन टू थ्री लाना है ठीक है तो वन टू यहाँ से लिया वही वन टू का केस यहाँ भी आएगा वही वन टू का केस यहाँ भी आएगा यहाँ यहाँ और यहाँ वन टू के तीन तीन केसेज आएंगे तो इसलिए हमने तीन केस यहाँ ले लिया तो इस तरीके से हमारा ये फेवरेबल केस हो गया डिवाइडेड बाई टोटल वन टू के केसेस आने के नीचे मैंने केसेस बना दिए तो ये हमारा आंसर है वन बाई फाइव जो यहाँ दिया हुआ है जो हमारे इस प्रॉब्लम में यहाँ दिया हुआ है अब देखिए ये वन बाई फाइव पहला ऑप्शन ही है ये पहला ऑप्शन ही है हमारे पास वन बाई फाइव ठीक है तो ये वन बाई फाइव हमारा पहला ऑप्शन है ठीक है तो इसको हम कलर से यहाँ देख लेते हैं यहाँ हम ये वाला वन बाई फाइव ये वन बाई फाइव हमारा पहला ऑप्शन है दिस इज द आंसर ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ठीक <coughs> है सो so, अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या है देखिए इसको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बस इसमें आपको पी और क्यू को की वैलिडिटी चेक करनी है तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक यूनिट सर्कल पर लाई करेगा ये एक यूनिट सर्कल पर लाई करेगा तो ये एक यूनिट सर्कल पे लाई करेगा तो हम यूनिट सर्कल बना देते हैं सबसे पहले देखिए ये सर्कल यूनिट सर्कल हमने बना दिया अब भाई कह रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं थीटा वन थीटा वन थीटा टू ये ऐसे ऐसे यहाँ से लेके यहां यहाँ तक थीटा वन थीटा टू बनाना है ये पॉइंट मान लो ए है तो ये बी हो गया ए बी को ज्वाइन करें ये हो गया फिर ये ज्वाइन करें फिर ये ज्वाइन करें ऐसे से ये थीटा थ्री है तो यह सारा कुछ दिया हुआ है इन्होंने अब यह Z1 है यह Z2 है तो हम देखते हैं कि जो Z1 है Z1 वन माइनस जेड टू देखो जेड टू माइनस जेड यहां दिया हुआ है तो Z2 टू माइनस जेड का जो मॉड होगा वो क्या होगा वो लेस देन आर इक्वल टू ए बी होगा ए बी होगा कि नहीं होगा ठीक है अब ए यूनिट सर्कल है रेडियस वन है ठीक है सिमिलरली जेड थ्री माइनस जेड टू का मॉड क्या होगा ये बी सी बी सी ये हमारा ये कॉर्ड है और ये आर्क ये आर्क है तो हमने ये ए बी जो है ये लेंथ जो है ये जो लेंथ है वो ए बी आर्क ये क्या है आर्क 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 बी सी से छोटा होगा यहाँ भी आर्क बी सी से छोटा होगा सिमिलरली ये इस तरीके से होगा अब हम सबको अगर हम ऐड करते हैं इन सबको ऐड करते हैं तो ये करें पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा सो so, यहां से जेड टू माइनस जेड वन का मॉड प्लस जेड थ्री माइनस जेड टू का मॉड प्लस डॉट डॉट कहां तक हमारे पास है टेन तक है तो जेड वन माइनस जेड टेन का मॉड मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस डॉट डॉट और जो ये सारे आर्क आर्क देखिए यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक लेंथ प्लस यहां से यहां ये यह पूरा जो है सरकमफ्रेंस कवर हो रहा है सरकम कवर हो रहा है तो इसका मतलब ये टू पाई आर टू पाई इंटू आर आर कितना है वन तो ये हमने प्रूफ कर दिया जेड टू माइनस जेड वन ये सारे आर्क की लेंथ का सम टोटल लेंथ ये सारे आर्क लेंथ को ऐड कर दिया तो जेड थ्री माइनस जेड टू का प्लस डॉट डॉट जेड वन माइनस जेड टेन ये टू पाई से छोटा होगा इसका मतलब क्या है कि पी हमारा ये सही है ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया अब हम आगे अगले पेज पे चल के क्यू को वेरीफाई करते हैं तो क्यू में क्या दिया हुआ है क्यू में दिया हुआ है कि जो हमारी वैल्यू है ये क्यू इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं तो अगले पेज पे चलते हैं क्यू को वेरीफाई कर पी तो हमें पता चल गया सही है तो हम लोग अगले पेज पे चल के यहीं पे चेक कर लेते हैं अब हम क्यू को वेरीफाई करते हैं तो ये तो हमने सही देख लिया अब हम क्यू को वेरीफाई करते हैं तो क्यू के वेरीफिकेशन में यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हमारे पास ये रिजल्ट हमने ट्रू ये चेक कर लिया है ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू है तो हम यहां देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा जेड टू प्लस जेड वन जेड टू प्लस जेड वन का मॉड और जेड टू माइनस जेड वन का मॉड प्लस ये क्या हो जाएगा जेड थ्री माइनस जेड टू का मॉड और प्लस जेड थ्री प्लस जेड टू का मॉड प्लस डॉट डॉट ऐसे लास्ट में हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टेन का मॉड और जेड वन प्लस जेड टेन का मॉड लेकिन हमारे पास ट्रायंगल इनिक्वलिटी है Z1 वन प्लस जेड टू का मॉड जेड टू का मॉड मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू क्योंकि ये यूनिट सर्कल है आपको पता है ये यूनिट सर्कल है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस Z1 और Z2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Z1 और Z2 की डिस्टेंस वन यूनिट हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू Z1 वन प्लस जेड का मॉड या बाकी जितने भी प्लस वाले हैं इनका मॉड टू या टू से छोटा होगा सो so, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ यहाँ भी टू आ जाएगा यहाँ भी यहाँ भी टू आ जाएगा यहाँ भी टू आ जाएगा तो टू कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू का मॉड या जेड टू माइनस जेड वन का मॉड बात एक ही है और जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री का मॉड प्लस डॉट डॉट कहाँ तक लास्ट में जेड टेन माइनस जेड वन का मॉड ये हो जाएगा बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है ये टू पाई है तो यहाँ टू पाई रख देंगे तो ये हो जाएगा टू इन टू टू पाई तो ये लेस देन आर इक्वल टू फोर पाई आ गया ये इसका मतलब क्यू भी सही है तो डी ऑप्शन सही है पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक हमें लग रहा आ गया है पी और क्यू दोनों ऑप्शन सही है ये हमारा सी ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है ओके okay. अगले क्वेश्चन पे चले यस yes. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन अगला सेक्शन है हमारा तो अगले सेक्शन को हम लोग देखते हैं देखिए भाई क्या है ये क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही आसान है कोई दिक्कत नहीं है थ्री नंबर आर चूजन एट रैंडम फ्राम वन आफ्टर अनादर विध रिप्लेसमेंट फ्राम द सेट ये हंड्रेड तक है द प्रॉबलिटी पी वन बी द प्रॉबलिटी दैट द मैक्सीम ऑफ द चूजन नंबर इज एटी वन देखो भाई ये क्या दिया हुआ है वन टू थ्री से लेके हंड्रेड तक मैक्सीम कह रहे हैं क्या मैक्मम चूजन नंबर एटलीस्ट एट्टी वन होना चाहिए एट्टी वन इसके पहले एटी है तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं एट्टी है और इसके बाद एट्टी वन या एटी वन से सारे नंबर बड़े होने चाहिए तो इसी को हम एटलीस्ट एट्टी वन होना चाहिए इसका मतलब तो जो पी वन हमारी प्रॉबलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पी वन प्रॉबलिटी हो जाएगी कि वन माइनस जब हम एट्टी से छोटा हम उल्टा इसी को कर रहे हैं हम तीनों नंबर एट्टी से छोटा ले लें तो ये एट्टी बाई हंड्रेड हो जाएगा पहला नंबर के लिए दूसरे नंबर के लिए भी एट्टी बाई हंड्रेड हो जाएगा और तीसरे नंबर के लिए भी एट्टी बाई हंड्रेड हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा वन माइनस एट्टी बाई हंड्रेड का क्यूब हो जाएगा जिसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो के आ जाएगी और ये कैलकुलेट होने पे क्या आ रही है मैं ये लिख दे रहा हूँ तो ये हमारा पी वन की वैल्यू है और ये आ रही है सिक्सटी वन बाई वन ट्वेंटी फाइव ये आ रही है तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करके सॉरी uh, ये आ रहा है सिक्सटी वन बाई दिस की वैल्यू आ रही है तो यहाँ वन ट्वेंटी फाइव और uh, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे रखने के बाद सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई फोर इन टू ये वैल्यू रख देंगे सिक्सटी वन बाई वन ट्वेंटी फाइव तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास सेवेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का यह आंसर है जो हमारा ये आंसर दिया हुआ है तो यह कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा तो यह हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे सो so, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये देखिए ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कहते हैं नंबर ऑफ चूजन एट रैंडम वन आफ्टर एनदर फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस पी वन इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ मैक्मम चूजन नंबर इज एटी वन एंड पी टू इज द प्रॉबिलिटी दैट द मैक्सीम चूजन नंबर इज फोर्टी मैक्ममम फोर्टी चूज किया गया है इसका मतलब क्या है कि वन टू थ्री से लेके फोर्टी तक मैक्सीम चूज किया गया है तो इसका मतलब बाकी सारे नंबर यहीं से लिए गए तो ये फोर्टी वन से ले हंड्रेड तक साठ नंबर ये और ये चालीस हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे जो पी टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे इसको भी तो वन में से ये वाला केस एटलीस्ट है ना पी टू एटलीस्ट यहाँ होना चाहिए तो यहाँ से हम चूज करेंगे तो साठ पहला नंबर हम साठ बाई हंड्रेड तरीके से चूज कर सकते हैं दूसरा नंबर भी साठ बाई हंड्रेड तरीके से और तीसरा नंबर भी सिक्सटी बाई हंड्रेड तरीके से तो ये हमारे पास आ गया वन माइनस सिक्सटी बाई हंड्रेड क्यूब आ गया जिसको हम कैलकुलेट करके हम देख रहे हैं ये 98 एट बाई वन आ गया जिसको हम यहां रख देंगे तो ये 125 ट्वेंटी फाइव बाई फोर इन टू नाइन्टी बाई ये पूरा कैलकुलेट होके 24.50 ये हमारा आंसर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान ये भी है कोई दिक्कत नहीं एक ही पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं ठीक है तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है इसको हम लोग देखते हैं देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है करें अल्फा, बीटा, गामा बी द रियल नंबर द सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट ठीक है इस ये कंसिस्टेंट है एंड दिस रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस ओके तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां एक चीज अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन मिलेगा अब ये देखिए ये अगर टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या है इसको वन बोल देते हैं इसको टू बोल देते हैं और इसको थ्री बोल देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं वन प्लस टू माइनस थ्री कर देते हैं तो देखते हैं क्या मिल रहा है तो वन प्लस थ्री कर दे वन प्लस टू कर दे तो ये हमारे पास एट एक्स हो जाएगा और यहां टू टाइम्स ध्यान देना यहां टू टाइम्स टू टाइम्स आप थर्ड कर रहे हैं तो एट एक्स प्लस आठ दो दस दस वाई आ गया और यहां नाइन जेड और थ्री जेड नौ तीन बारह बारह जेड हो गया ठीक ये किया हमने लेफ्ट को लेफ्ट को राइट को राइट से कर दिया माइनस जब हम टू टाइम्स फोर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स जेड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा माइनस वन माइनस टू बीटा आ जाएगा ठीक है ये एग्जैक्टली exactly कैंसिल हो रहा है इसका मतलब क्या जो भी सल्यूशन होंगे ये इसी पे लाई करेंगे और इसका मतलब क्या है कि जो भी सोल्यूशन इन तीनों के सिस्टम के होंगे वो इसी को सेटिस्फाई करेंगे जबकि हमें क्या दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग यहीं फाइंड कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये क्या करेंगे डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये देखते हैं दिस अल्फा इंटू वन माइनस जीरो हो गया माइनस टू टाइम्स ऑफ ये और ये हट गया तो बीटा प्लस वन हो गया बीटा माइनस जीरो बीटा हो गया ओनली ये हो गया और गामा गामा और ये हट गया तो ये आ गया क्या जीरो माइनस माइनस ऑफ वन वन आ गया ये वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई जो कि क्या है अल्फा प्लस गामा ये अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा है इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है ये क्वेश्चन हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है जबकि हमारे पास यहां ये आ चुका है क्या ये अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा ये वन को इधर ले आओ तो ये वन आ गया ये क्या गया? आ गया वन आ गया यही हमारी डिटर्मेंट की तो वैल्यू है यही तो हमारी डिटर्मेंट की वैल्यू है इसका डिटरमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है वन ये हमारे पास आंसर है तो इस क्वेश्चन का आंसर वन है जो कि दिया हुआ है सो होप यह समझ में आ गया होगा अब देखिए अल्फा बीटा गामा इन्होंने अगले क्वेश्चन में क्या कहा है अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा इक्वल टू वन एक रिलेशन अल्फा बीटा गामा में आ गया है तो अब लोग जब आगे चलेंगे अगले पेज पे चलेंगे तो हमें अगला क्वेश्चन मिलेगा और वो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए ये अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज इसका मतलब इसी का लोकस चाहिए हमें सो अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा ये हमारे पास वन था तो इसका लोकस ऑफ लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा विल बी व्हाट एक्स माइनस टू वाई और प्लस जेड इक्वल टू वन हो जाएगा यही तो हो जाएगा भाई अल्फा बीटा गामा इसी रिलेशन को सेटिस्फाई ना तो अल्फा को एक्स से बीटा को वाई से और गामा को जेड से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें जो पी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दो सच पॉइंट अल्फा बीटा गामा फॉर विच द अब सिस्टम ऑफ लीनियर इज कंसिस्टेंट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डी वी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ध्यान देना है डी जो है डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डी की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट से इस लोकस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है वो डी स्क्वायर है जिसकी वैल्यू डी है तो भैया डी पहले निकालते हैं इसमें हम रख देते हैं तो इसमें जीरो जीरो और माइनस टू और प्लस जीरो रख दिया जीरो और माइनस वन भी है का मॉड ले लिया डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन प्लस फोर प्लस वन हो जाएगा ठीक है ये डी निकाला लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है वो कैपिटल डी है तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा चार दो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया थ्री बाई टू विच इज वन पॉइंट फाइव विच इज वन पॉइंट फाइव सो आंसर ऑफ दिस इज वॉट वन पॉइंट फाइव सो ये हमारा वन पॉइंट फाइव आंसर देखो यहां से आ गया तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो वैसे करने को बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन ये जो हमने बताया आपको ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया सो so, होप ये आपको समझ में आया होगा तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए ये L1 एक लाइन दिया हुआ है ये L1 एक लाइन दिया हुआ है L2 एक लाइन दिया हुआ है अब कह रहे हैं कि ए फिक्स पॉइंट कॉन्स्टेंट लेट एलेवन एंड एल टू आर डिफाइंड बाई दिस अफिक्स कॉन्स्टेंट लेमडा फॉर सी बी द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू एलेवन एंड एल टू इज लेमडा स्क्वायर ये दिया हुआ है एंड दिस लाइन मीट्स अब ये लाइन दिया हुआ है तो लाइन मीट्स सी एट टू पॉइंट आर एन एस वे डिस्टेंस बिटवीन द आर एन एस इज गिवन तो ये दिया हुआ है उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आर डैस एस डैस वाला चलो उसको हम बाद में करेंगे पहले हम इसको देखते हैं तो भाई सबसे पहले तो एक पॉइंट पी से इस पे प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस वो वैल्यू लेमडा स्क्वायर दिया हुआ है तो अगर हम इस पे प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स रूट टू प्लस वाई माइनस वन का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ टू रूट टू स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री और दूसरा डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ये वैल्यू आ जाएगी कितनी तो ये एक्स प्लस रूट टू माइनस यहाँ वाई माइनस वन हो जाएगा इसका डिवाइडेड बाई रूट थ्री ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस लेमडा स्क्वायर है तो ठीक है लेमडा स्क्वायर है हम लोग इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और बाई थ्री आ गया इस इसमें मॉड लगा है तो मॉड लगा देते हैं इसको लेमडा स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं ये गिवन है अब y माइनस वन इसके साथ अगर इसका इंटरसेक्शन करना है तो वो इंटरसेक्शन क्या होगा तो हम लोग यहां देख सकते हैं तो ये y माइनस वन की वैल्यू टू एक्स है भाई तो y माइनस वन की वैल्यू अगर हम टू एक्स यहां रख दें तो x की वैल्यू मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री इज लेमडा स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर क्या मिल जाएगा थ्री बाई टू लेमडा स्क्वायर मीन्स x इज प्लस माइनस प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू लेमडा ये हमारे पास आ गया जो पॉइंट ऑफ अब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R और S हैं इनके बीच में क्या फाइंड करना है द द आर एस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज गिवेन तो आर और एस के बीच में डिस्टेंस हमारे हमारे पास दिया हुआ है 270 का रूट दिया हुआ है तो देखो भाई अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ इसको x2 y2 मान लूँ तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस जो कि यहाँ दिया हुआ है x1 वन माइनस का स्क्वायर ध्यान देना है हमारे पास x1 वन माइनस का स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन y1 वन माइनस का स्क्वायर क्या हो y1 वन माइनस देखो y1 में से y2 घटाओगे तो टू टाइम्स ऑफ x1 वन माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना फोर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर ये हमारे पास ये डिस्टेंस है जो रूट टू सेवन जीरो दिया हुआ है अब एक्स वन एक्स टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो x1 वन माइनस हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं तो x1 वन माइनस हमारे पास क्या आएगा प्लस में से माइनस वाला घटा दोगे तो टू टाइम्स हो जाएगा ये तो टू टाइम्स ऑफ रूट थ्री बाई टू लेमडा ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है तो x1 वन माइनस की मॉड की वैल्यू ये आ जाएगी तो यहां हम देख रहे हैं कि रूट फाइव रूट फाइव हो गया और x1 वन माइनस का मॉड हो गया ये आपको समझ में आ रहा होगा ये रूट टू सेवेंटी दिया हुआ है अब हम क्या करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉड यहाँ से रख देंगे तो रूट फाइव ठीक है तो रूट फाइव हो गया और यहाँ से हमारे पास मिल गया टू रूट थ्री बाई रूट टू और लैमडा ठीक है तो ये हमारे पास लेमडा मिल गया अब स्क्वायर कर देंगे हम तो 270 स्क्वायर कर देते हैं भाई पूरे को स्क्वायर कर दें स्क्वायर करने के बाद यहाँ फाइव हो जाएगा यहाँ फोर हो जाएगा यहाँ थ्री बाई टू आ जाएगा यहाँ लेमडा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ टू सेवेंटी हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी तो ये यहाँ टू ला देगा और तीन नौ यहां नाइन्टी हो जाएगा और ये पाँच और दो दस हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो लेमडा स्क्वायर हमारे पास नाइन आ गया तो लेमडा स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया नाइन जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है नाइन ही है जो कि यहाँ दिया हुआ है तो ये लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नाइन आ गई भाई ओके तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो कुछ डेटा हमारे पास दिमाग में है पहले से उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो अगला डेटा क्या है द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ आर एस आर एस का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मीट द सी कर्व को मीट कर रहा है एट द टू पॉइंट आर डे एस डे तो भैया परपेंडिकुलर बाई सेक्टर तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आर एस का वो परपेंडिकुलर बाई हमें निकालना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर बाई क्या होगा ये हम लोग देखते हैं तो चलिए आगे चलते हैं तो अगले जैसे ही क्वेश्चन पे चलेंगे हम तो अगला क्वेश्चन ये है तो अब एस दिया हुआ था एस का परपेंडिकुलर बाई देखिए भाई इसका स्लोप टू है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू और पॉइंट वही होंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये आएगा ये पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई की वैल्यू तो ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आर एस जो है स्लोप ऑफ आर एस टू है तो स्लोप ऑफ और मिड पॉइंट उनका जीरो वन हो जाएगा तो जीरो वन ये मिड पॉइंट हो जाएगा हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना जीरो वन ये जीरो कामा वन गया और इसका स्लोप आ गया माइनस वन बाई टू तो ये परपेंडिकुलर बाई जो इसका है आर एस का तो ये आर डैश एस डैस कह रहे हैं ले लो ये इसको ठीक है तो लेट द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आई मीट द सी एट द पॉइंट अब देखिए अब ये सी कर्व को आर डैश एस डैश ये सी डैश जो कर्व को हमारे कट करेगा वो यहाँ ये कर्व हमारा सी है ये सी जो भी कर्व है ये कर्व को कट कर रहा है इस तरीके से यहां आर डैश एस डैश पे तो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर सबसे पहले ये लाइन की इक्वेशन तो ये क्या हो जाएगी वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स हो जाएगा एकदम सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है ये कर्व को कट करेगा आर डैश एस डैश पे सो आर डैश एस डैश पे कट करेगा तो आर डैश एस डैश हमें फाइंड करना है <coughs> तो हम लोग क्या करेंगे अगेन कर्व हमारा क्या था कर्व हमारा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो कर्व क्या था कर्व हमारे पास एक्स स्क्वायर देखिए कर्व हमारे पास क्या था ये था तो solving with the कर्व हमारे पास ये था ट्वेल्व बाई सेवन लैमडा स्क्वायर ये कर्व था हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन थी ठीक है इस कर्व को इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं सॉल्विंग दिस विद वाई माइनस वन एंड माइनस वन बाई टू इंटू एक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ वाई एक्स की ये वैल्यू आ गई इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये एक्स वन वाई वन ले लेते हैं और इसको एक्स टू वाई टू लेते हैं फिर से वही तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर डैस एस डैस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये x1 वन माइनस का स्क्वायर प्लस y1 वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू इसमें वाई वन एक्स वन और वाई टू और एक्स टू रख देंगे और सब ट्रैक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई फोर ये एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ये आर डैस एस डैस की वैल्यू हो जाएगी तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो X1 वन माइनस एक्स हमें पता है यहीं से मिलेगा तो X1 और आ, X1 वन माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो x1- वन माइनस एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा ठीक है तो लेमडा हम पहले से ही निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये हो जाएगा पांच रूट फाइव बाई फोर ये आ जाएगा और ये x1- वन माइनस का मॉड हो जाएगा लेकिन x1 x2 एक्स कहाँ से मिलेगा यहीं कर्व से मिलेगा <coughs> लेमडा हम जानते हैं ऑलरेडी हम लेमडा बाद में रख देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ ट्वेल्व बाई सेवन और लैमडा हो जाएगा तो यहाँ रखने के बाद यहाँ रखने के बाद हमारे पास ये टोटल एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू रखने के बाद ये हमारे पास ट्वेल्व बाई सेवन अंडर रूट फाइव बाई फोर और एक्स वन माइनस एक्स टू तो ये टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ट्वेल्व बाई सेवन और लैमडा हो जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद अब यहाँ भी क्या करना है द टू पॉइंट द स्क्वायर ऑफ आर डैस एस डैस का स्क्वायर चाहिए आर डैस एस डैस का स्क्वायर चाहिए तो हम स्क्वायर इसका कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आर डैस एस डैस का स्क्वायर हो जाएगा फाइव बाई फोर और ये फोर और यहाँ ट्वेल्व बाई सेवन और लैमडा का स्क्वायर जो कि नाइन था ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सेवेंटी सेवन पॉइंट वन फोर ये जो हमें आंसर दिया हुआ है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला ये वाला ही कर्व यहाँ भी यूज़ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है कर्व हमें पता ही है पहला वाला कर्व ये यह था यहाँ बस परपेंडिकुलर बाई है इन दोनों का आर एस का जो मिड पॉइंट है वो ये हो जाएगा क्योंकि आर एस हमें पॉइंट पता चल गए थे एक्स एक्स वन और एक्स टू और वाई वन और वाई टू पता चल गए थे उसकी हेल्प से हमने यहाँ निकाल लिया तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया आर डैस एस डैस का स्क्वायर मिल गया ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं तो चलिए भाई ये क्वेश्चन है मैट्रिसेस का तो ये मैट्रिसेस के क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे ही देखना शुरू करते हैं तो क्या आता है ये देखते हैं तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं इसको क्योंकि यहाँ जगह कम है देखिए ई मैट्रिसेस दिया हुआ है ई मैट्रिसेस हमारे पास क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है वन टू थ्री टू थ्री फोर एट थर्टीन एटीन ये दिया हुआ है p दिया हुआ है p दिया हुआ है वन जीरो 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 वन ज़ीरो वन ज़ीरो और एक मैट्रिसेज एफ दिया हुआ है एफ मैट्रिसेज दिया हुआ है तो वन थ्री टू एट एट्टीन थर्टीन और टू फोर और थ्री ये दिया हुआ है हमारे पास और हमें इसके बेस पे करें क्यू इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये सब दिया हुआ है देन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला रिजल्ट रिजल्ट नंबर वन रिजल्ट नंबर वन पी स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसका स्क्वायर तो ये आई आ जाता है इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये आई आ जाता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी इक्वल टू पी इनवर्ज होगा एक पहला रिजल्ट दूसरा अगर हम पी E को कैलकुलेट करते हैं पीई e को कैलकुलेट करें यहां देखिए पीई e को कैलकुलेट करें तो पीई e को कैलकुलेट करें तो पी को ई e से मल्टीप्लाई करें पी मल्टीप्लाई हुआ ई e से यहां वन आ गया वन आ गया फिर पी मल्टीप्लाई हुआ इससे यहां भी टू आ गया और यहां भी थ्री आ गया ओके ये आ गया ना मल्टीप्लाई हुआ ई से देश 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 से तो पहले में इसमें वन है तो बस वन के करस्पॉन्डिंग आएगा ओके okay? अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो और यहां एट आ जाएगा तो पहला एलिमेंट एट आ जाएगा ठीक है ना एट आ जाएगा और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 8 आया इससे मल्टीप्लाई हुआ 13 आया इससे मल्टीप्लाई होके 18 आ गया और ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होके क्या देगा टू थ्री और फोर ये आ गया ये पी पीई की वैल्यू है पीई की वैल्यू है ये एफ अब ये किसके इक्वल है ये इनमें से किसी में दिया हुआ है वन टू थ्री वन टू थ्री एट थर्टीन एटीन टू थ्री फोर वन टू थ्री नहीं दिया हुआ है तो यहां ये हम लोग जो है नहीं तो अब हम क्या करें दूसरा एक और रास्ता है कि हमें p को f के साथ मल्टीप्लाई करो p को f के साथ मल्टीप्लाई करो p को f के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं p को f के साथ मल्टीप्लाई करें अब p को f के साथ मल्टीप्लाई करें अगर तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके वन दे देगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके थ्री दे देगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके के टू दे देगा ठीक दे है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा टू देगा ओके okay, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आया था वन आया था ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास थ्री आया था तो वन थ्री टू तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि हमारे पास ये रिजल्ट पी स्क्वायर और पी ई पी ई हमारे पास ये आ गया पी ई e की वैल्यू ये आ गई वन टू थ्री एट थर्टीन दिस अब इसमें अगर हम P से मल्टीप्लाई कर दें इसमें अगर हम P से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ P से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जा रहा है पी ई पी की वैल्यू F आ जा रहा है ठीक है पी ई पी की वैल्यू F आ जा रहा है ये आ रहा है ओके तो पी ई एफ की वैल्यू F आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन पहला है वो करेक्ट है ये अगर हम मल्टीप्लाई करें ये देखो दोनों मल्टीप्लाई करें पी की वैल्यू रख दें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हमारे पास दे रहा है एफ़ एफ में वन आ रहा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है ये दे रहा है हमारे पास थ्री और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है टू दे रहा है जो कि हमारे पास एफ में आ रहा है ये इसके 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 साथ मल्टीप्लाई होके एट एटीन और थर्टीन हो गया और ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होकर टू थ्री फोर आ गया जो कि एफ है तो ये पी ई पी की वैल्यू हमारे पास एफ आ रही है जो कि पहले ही ऑप्शन में करेक्ट दिया हुआ है तो ऑप्शन वन इज करेक्ट इज करेक्ट ठीक है अब देखिए अब हमारे पास यहां पे दूसरा और एक और चीज यहां अगर हम कैलकुलेट करें तो ई e का डिटर्मिनेंट और एफ का डिटर्मिनेंट ये दोनों जीरो आ रहा है ये आप दोनों कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो यहां पे ये रिजल्ट यूज होगा दूसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो दूसरे वाले को ई e क्यू प्लस पी एफ पी एफ क्यू इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पीई -E, देखो भाई पीई -E हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें पी एफ ये हमारे पास एफ है इसमें पी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पी ई पी इक्वल टू एफ आ गया है हम पी एफ चाहते हैं तो पी से मल्टीप्लाई करें प्री में तो पी यहाँ पी हो जाएगा और पी स्क्वायर ये ई e पी हो जाएगा और ये पी एफ हो जाएगा तो हम यहाँ पी एफ की जगह ई पी रख सकते हैं तो यही क्या हो जाएगा ई e क्यू प्लस पी एफ की जगह ई पी रख देंगे तो ई e पी हो जाएगा और यहाँ क्यू डैश है अब हम देख रहे हैं ई e कॉमन आ रहा है तो ई e जब कॉमन लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए क्यू प्लस पी क्यू डैश क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेकिन ये डिटर्मिनेंट क्योंकि जीरो दिया हुआ है इनफैक्ट जीरो निकालना है यहाँ से जीरो निकाल सकते हैं तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी ये जीरो आ गया और राइट हैंड साइड इसका क्या है ये तो लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि जब राइट हैंड साइड का ई क्यू इसका डिटर्मिनेंट प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये यहां भी दिया हुआ है ई e का डिटर्मिनेंट तो ये वाला जीरो आ जाएगा यहां पे डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पी का डिटर्मिनेंट एफ का डिटर्मिनेंट क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट एफ का इनवर्स एफ का डिटरमिनेंट जीरो दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो जी हमारा आंसर आ गया तो लेफ्ट और राइट यहां लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब ये जीरो आ गया तो इसका मतलब पहला और दूसरा ये करेक्ट हो गया अब हम अगले पे चलते हैं तो अगला हमारे पास क्या है कि ये दूसरा वाला तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ई e, एफ का ये तो करेक्ट है नहीं तो हम देखते हैं ई एफ क्यूब का डिटर्मिनेंट कह रहे हैं ई एफ के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए यह हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों जीरो हैं तो जीरो क्या जीरो से बड़ा होता है नहीं तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन कैन नॉट भी करेक्ट ऑप्शन सो फोर्थ ऑप्शन हमें चेक करना है फोर्थ ऑप्शन में क्या चेक करना है ये देखिए तो हमारे पास जो दिया हुआ है पी इनवर्ज ई पी प्लस एफ ये दिया हुआ है और इसके ट्रेस की वैल्यू सम ऑफ द डायग्नल ऑफ दिस तो ट्रेस ऑफ दिस समा ट्रेस होता है कह रहे हैं कि ट्रेस ऑफ दिस दिया हुआ है ई प्लस पी और एफ पी ये हमें दिया हुआ है तो अगर हम यहां से चलते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है पी और पी इनवर्स सेम है तो यहाँ हम इसको ट्रेस ऑफ पी ई पी लिख सकते हैं प्लस एफ का ट्रेस प्लस ट्रेस ऑफ यहाँ भी ई प्लस पी इनवर्स को पी लिख सकते हैं क्योंकि पी स्क्वायर आई है पी स्क्वायर आई है तो पी इनवर्स की जगह हमने पी लिख दिया तो ये हो गया P और ये F और P हो गया ये हमारे पास ट्रेस आ गया लेकिन हमें पता है कि ये वैल्यू क्या थी ये वैल्यू हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी क्या ये वैल्यू F के इक्वल आ गई थी तो ये F प्लस एफ हो गया सिमिलरली ट्रेस ऑफ ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया था E का तो E प्लस ई आ जाएगा ये हम E एक के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ 2F एफ़ क्वल टू ट्रेस ऑफ टू ई ये ये दिया हुआ है जो कि कह रहे हैं कि इस ऑप्शन में डायगनल ऑफ डायगनल इंट्रीज ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस है तो डायगनल इंट्रीज में सम इसके इसके डायगनल uh, के एलिमेंट्स का सम इसके डायगनल के एलिमेंट के सम के इक्वल है P इनवर्स P के इक्वल हमने यहाँ P रख दिया यहाँ भी P रख दिया ये लेकिन हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं ये F के इक्वल है और ये ई e के इक्वल है तो ये एफ एफ दोनों इसका इसका मतलब क्या है सम टू द सम ऑफ द डाइगनल जबकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें कि इन दोनों के डायग्नल्स के इंटरीज का सम सेम है वो हम लोग क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं तो देखिए ई e और एफ के डायग्नल के एलिमेंट्स का सम सेम दिया हुआ है ये ई e और एफ क्योंकि दिया हुआ है ई e और एफ का हम डाइगनल uh, इंटरीज ये देख रहे हैं कि ये इक्वल है इसका मतलब ये वाला सही है तो फोर्थ ऑप्शन सही है तो वन टू और फोर ये करेक्ट है ये मोर देन वन ऑप्शन का क्वेश्चन है तो ये हमारे पास करेक्ट आ गया और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ये अपना अगला क्वेश्चन है देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है इन्होंने कहा है कि ये क्या क्या इसमें आंसर है तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें f डैस एक्स तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x एक्स माइनस थ्री माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इसका होल स्क्वायर है अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है मैं वो लिख दे रहा हूं फाइव एक्स एक्स प्लस फोर आ जाएगा अनसिम्प्लीफाइंग ऑनसिंप्लीफाइंग वी गेट एफ डैश एक्स इज दिस वन ये हमारे पास है अब ये देखा जाए तो हम लोग यही देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो जीरोज है माइनस फोर और जीरो तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि पहले दोनों ऑप्शन सही है डिक्रीजिंग इन दिस वन माइनस फोर से जीरो के बीच में अगर एफ डेस एक्स निगेटिव है तो इस इंटरवल में भी निगेटिव होगा इसका मतलब ये ऑप्शन सही है प्लस कह रहे हैं कि वन से टू के बीच में इंक्रीजिंग है तो वन से टू का इंटरवल कहाँ आएगा यहाँ कहीं आएगा वन से टू के बीच में इंक्रीजिंग है इसका रेंज निकालें अगर हम इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन तो वो ये नहीं आ रहा है ये माइनस थ्री बाई टू से एलेवन बाई क्या आ रहा है एलेवन बाई सिक्स आ रहा है दिस इज द रेंज बट ये रेंज है नहीं तो ये रेंज नहीं है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ए और बी यहाँ पे करेक्ट मिल गया है बस यही आंसर है ये क्योंकि एफ डैस एक्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा रेंज इसका कोडोमेन के इक्वल है नहीं तो ऑन टू नहीं होगा ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कोडोमेन इसका दिया नहीं है कोडोमेन आर दिया हुआ है रेंज इसका ये आ रहा है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है नहीं तो ऑन टू हो नहीं सकता रेंज हमने निकाल ही लिया बस यही दो ऑप्शन सही है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन जो है देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि करने को हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं लेकिन यहां पे आपको क्या करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं तो इसमें करना क्या है सबसे पहले तो हमें इसका 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 और इसका एक ऐसा एलसीएम बना लेना है कि हमें तो हम पी ई -E में डिनोमिनेटर में 240 बना देंगे तो पी ई -E क्या बन जाएगा ये आ जाएगा वन बाई एट इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके थर्टी से थर्टी से टू फोर्टी बना लेंगे और पी एफ हमारे पास दिया हुआ है वन बाई सिक्स तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई फोर्टी से करेंगे तो ये टू फोर्टी हो जाएगा ठीक है और पी एफ हो गया पी जी पी जी हमारे पास कितना दिया हुआ है वन बाई फोर तो इसमें हम सिक्सटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टू फोर्टी बना लेंगे और पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ये दिया हुआ है हमारे पास वन बाई टेन तो चौबीस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम यहाँ टू फोर्टी बना लेंगे टू फोर्टी बना लेंगे सबसे पहला काम यहां यही करना है अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वही वेन डायग्राम अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहीं से हमारा बहुत सारा आंसर आ जाएगा देखिए जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट टोटल एलिमेंट 240 हमने ले लिया यहां कितना ले लिया यहां 24 एलिमेंट ले लिया अब हम क्या करेंगे यहां ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं ठीक है देखिए ई e में जो एलिमेंट है वो 30 है तो ये ई एफ जी ले लो अब ई e में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या है ए प्लस डी प्लस ई प्लस चौबीस ये कितना होना चाहिए थर्टी होना चाहिए तो ये ए प्लस डी प्लस ई कितना होना चाहिए ये होना चाहिए हमारे पास सिक्स ये होना चाहिए सिक्स एलिमेंट तो भैया ये है क्या ई e में एलिमेंट है और हमें चाहिए क्या पहले ही ऑप्शन को देखें ई e और एफ में हो ये हमें ई e में गया element, मतलब मिल गया एलिमेंट मतलब ये कहाँ मिल गया ई का एलिमेंट है ये ई e था हमारे पास ठीक है सिमिलरली हम दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम दूसरे में अगर कैलकुलेट करें एन एफ एन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करें ई e में हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है अब ई e में हो एफ में हो ई e में हो एफ में हो देखा जाए तो पहला आंसर हमें मिल गया है तो ये जो सिक्स एलिमेंट होगा ये डी में एलिमेंट हमें ये क्या है पहले हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को उसके बाद आगे चलते हैं अगले पे तो हम देख रहे हैं कि ये डी प्लस D प्लस ए प्लस ई ये सिक्स है तो D तो सिक्स से छोटा ही होगा ना भाई और D ही क्या है D ही हमारा ये है ये क्या है ये D ही तो है D सिक्स से छोटा होगा तो D सिक्स से छोटा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट ये इससे छोटा होगा तो इसमें हम टोटल 240 से डिवाइड कर देंगे 240 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये पहला ऑप्शन आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी देखिए सिक्स सिक्स कट जाए छः चौके चौबीस ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू वन बाई फोर्टी तो ये हमारे पहला ऑप्शन करेक्ट है पहला ऑप्शन करेक्ट है कैसे ये समझ में आ गया होगा अब हम दूसरे ऑप्शन को यहीं पे कर देते हैं तो दूसरा ऑप्शन हम यहीं पे इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से भाई दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं एफ जी एफ और जी एफ और जी में एफ है और ई e में नहीं है तो एफ अब हम अगर हम एफ के एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो एफ के एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ये क्या आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास डी प्लस एफ प्लस सी प्लस ट्वेंटी फोर लेकिन एफ में कितने एलिमेंट हैं चालीस एलिमेंट हैं तो ये कितना होना चाहिए चालीस चौबीस इसमें से घटा दो तो डी प्लस एफ प्लस सी प्लस चौबीस घटा दिया ये हमारे पास सब कर दिया यहाँ से तो यहाँ से जब सब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये हमारे पास सोलह आ जाएगा ठीक है ना भाई आ जाएगा कितना सोलह तो यह सोलह एलिमेंट है अब बताइए यह डी एफ सी सबका सम सोलह है तो एफ अकेले क्या होगा एफ सोलह से तो छोटा ही होगा भाई सोलह से ही तो छोटा होगा और लेकिन एफ ही हमें चाहिए एफ क्या है एफ और जी में हो एफ और जी में हो एफ और जी में हो लेकिन ई में ना हो मतलब चौबीस के ई में ना हो डी में ना हो ठीक है तो एफ़ हमें चाहिए अब ये क्या है यही हमारा एलिमेंट है तो प्रॉबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F एफ G जी ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू सिक्सटीन बाई टू फोर्टी और जो कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है सोलह से इसको डिवाइड करो तो ये वन बाई फिफ्टीन आ जाएगा तो सोलह देखिए आठ दोना न सोलह और आठ त्रिक चौबीस और ये वन और ये पंद्रह तो ये वन बेटा पंद्रह आ गया तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ इसका मतलब बी भी सही है ठीक है तो बी भी सही है अब देखते हैं सी की बात करते हैं सी क्या है सही है कि नहीं है तो हम लोग यहीं फिर से ये ऑप्शन करेंगे देखिए अब हम इसकी बात करते हैं तो ये यूनियन की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एक मिनट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी ये क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इससे छोटा होगा तो इन सारे की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दो तो कितना आ गया ये कितना आ गया 60 40 100 130 130 सौ बटे दो इससे छोटा होगा ये वैल्यू अब देखते हैं क्या ये है तो ये कितना आ जाएगा 13 बाई चौबीस जो थर्टीन बाई चौबीस से छोटा होना चाहिए क्योंकि ये इससे और इसके इसके सम से छोटा ही होना चाहिए तो इसका मतलब ये भी सही है तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन ए बी सी देखो दिया हुआ है ए बी सी हमारे पास सही है अब हम डी की बात कर लेते हैं डी की बात कर लेते हैं <coughs> देखिए तो अगर हम देखते हैं कि डी में क्या हो रहा है तो डी में क्या होगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी थर्टीन बाई चौबीस जो हमने देखा ए यूनियन बी यूनियन सी और यहाँ डिमोर्गन्स लॉ लगाने के बाद ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू है वन माइनस पी ई यूनियन एफ यूनियन जी है ये क्या है ये कह रहे हैं कि पंद्रह बटा पाँच मतलब ये क्या होना चाहिए ये होना चाहिए अब देखिए ये अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वन माइनस ये कितना आ गया ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दे अगर यहाँ तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी तो दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये यहाँ हट के ये वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी अगर मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम यहाँ रख दे रहे हैं तो वन माइनस मैक्सिमम इज मिनिमम तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो वन माइनस ये थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर आ गया तो ये अगर हम निकालते हैं चौबीस में से तेरह गए एलेवन बाई ट्वेंटी फोर आ रहा है भैया एलेवन बाई ट्वेंटी फोर तो इसकी मिनिमम वैल्यू है अगर ये दस बटा चौबीस होता तो ये पांच बटा बारह हो जाता लेकिन पांच बटा बारह तो इसमें से कम करने के बाद मिनिमम यहाँ मिनिमम में भी हमने कम कर दिया तब पाँच बटा बारह आ रहा है लेकिन ये कह रहे हैं कि पांच बेटा बारह मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो कि हो नहीं सकता तो ये तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम थोड़ी होना चाहिए तो यहां पे ये गलत है तो ये हमारा रॉन्ग है ये हमें मिल गया तो ए बी सी हमारे पास ये सही हो गया तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ भाई ये देखिए ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो करें कि थ्री इंस टू थ्री एम मैट्रिसेज है और लेट ई एन एफ आर द थ्री इंस टू थ्री मैट्रिसेज एंड दिस इज द इनवर्स इन्वर्टेबल इफ जी इज यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी दिया हुआ है ये क्या है आई माइनस ई एफ का इनवर्स तो अगर मैं यहाँ इनवर्स ले लूँ, जी इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस ई e एफ और यहाँ जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी इंटू जी इनवर्ज इज इक्वल टू जी माइनस जी ई एफ और ये हो जाएगा आई तो जी माइनस जी ई एफ हो गया ये हमारे पास आ गया एक रिजल्ट ठीक है ना ये एक रिज़ल्ट आ गया दूसरा हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा दूसरा हमारे पास अगर यहाँ से देखें यहाँ अगर हमने प्री किया अगर हम पोस्ट करते यही चीज़ पोस्ट करते पोस्ट करते तो यहीं से हमारे पास एक रिज़ल्ट आता कि अभी हमने प्री किया पोस्ट करते तो G इनवर्ज G इज इक्वल टू जी माइनस ई एफ जी हो जाता लेकिन ये भी आई है तो ये भी आई है ये भी आई है इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो ये दोनों इक्वल कर देते हैं तो g माइनस जी ई एफ इक्वल टू जी माइनस ई एफ जी ये कट गया और यहाँ माइनस जी ई एफ इक्वल टू ई एफ जी आ गया ये देखिए ये हमारे पास सही है ये आ गया सही यहाँ से हम इस ऑप्शन को चल सकते थे तो ये हमारे पास I- माइनस आई माइनस ई एफ की वैल्यू G इनवर्स है तो EF का डिटर्मिनेंट अगर हम देखें EF का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और i माइनस ई एफ क्या है G का इनवर्स है तो ये G का इनवर्स हो जाएगा तो ये G के इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेकिन यहाँ भी डिटर्मिनेंट है तो एफ़ का डिटर्मिनेंट जी का डिटर्मिनेंट और ई का डिटर्मिनेंट ये और ये ये एक दूसरे को निकलीफाई कर देगा तो यहाँ ई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एफ का डिटर्मिनेंट और यहाँ भी F का डिटर्मिनेंट E का डिटर्मिनेंट इक्वल आ रहा तो ये सही है तो ये भी सही है ये भी सही है अब हम इसको देखते हैं इस ऑप्शन को देखते हैं तो इस ऑप्शन में क्या करें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो i माइनस ये पूरा इसके साथ i के साथ मल्टीप्लाई होके यही दे देगा ये दे देगा ये पूरा i के साथ अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये इसका मतलब इसके साथ मल्टीपा ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा f g e ठीक है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा देखिए हमने क्या किया ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया आई इसके साथ मल्टीप्लाई अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एफ़ ई e और एफ जी ई हो जाएगा ठीक है लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ देख रहे हैं यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ई एफ जी ई एफ जी भाई ई एफ जी की वैल्यू क्या है ये जी माइनस आई है ये जी माइनस आई है ई एफ ई जी ई एफ जी ई एफ जी की वैल्यू क्या है आई माइनस एफ ई प्लस ई यहां एफ है ये एफ है एफ जी ई और यहाँ हम रख देंगे एफ के साथ क्या रख देंगे यहाँ से देखिए ई e एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी माइनस आई तो यहाँ जी माइनस आई रख दो जी माइनस आई हो गया और यहाँ ई e हो गया तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ई e एफ हो गया ये यह एफ यहाँ पे है एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है एफ है और यहाँ पे क्या है प्लस एफ जी ई आ गया अब ये एफ जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एफ जी हो जाएगा माइनस एफ जी ई हो गया और प्लस ये एफ ई e हो गया लेकिन एफ ई और एफ ई कट गया यहाँ से ई एफ जी जी एफ ई ये दोनों हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है ये दोनों प्लस माइनस है तो ये भी कट गया और ये आ गया आई तो ये वैल्यू आई आ रही है ये सही है तो यहाँ और यहाँ में अंतर है बस खाली प्लस और माइनस का इसका अगर ये सही है तो ये सही नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो गए ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये तीनों ऑप्शन सही हो गया तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसी को हम यूज़ करते हैं एस ऑफ एन ये एक्स दिया हुआ है और यहाँ समेशन समेशन के वन से N तक दिया हुआ है कॉट इनवर्ज कॉट इनवर्ज वन प्लस के के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर एक एक्स इसके साथ एक एक्स इसके साथ ले लेंगे दिख ही रहा है और कॉट इनवर्ज को सबसे पहले टैन इनवर्ज में बदल दो तो टेन इनवर्ज में ये हो जाएगा टेन इनवर्ज में टेन इनवर्ज में बदलते ही ये बन जाएगा क्या ये के प्लस वन इंटू एक्स माइनस अब देखिए के प्लस वन एक्स के प्लस के एक्स में से सब करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स और ये एक्स दिया हुआ है ये ऊपर चला गया ऊपर को हमने ये लिख दिया तो के एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस के एक्स इंटू के प्लस वन इंटू एक्स ये लिख दिया और K हमारा one के हमारा वन से लेके एन तक दिया हुआ था तो बस हमें ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्ज बी का फॉर्मूला लगा देंगे प्लस वन एक्स माइनस टेन इनवर्ज के एक्स आ गया अब इस पे समेशन अगर हम लगाएं वन से लेके एन तक के की वैल्यू को तो ये हमारा समेशन क्या आ जाएगा समेशन आ जाएगा टेन इनवर्स एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्ज एक्स आ जाएगा टेन इनवर्ज एक्स आ जाएगा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद ये गेट कर रहे हैं और यहाँ टेन इनवर्ज ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये पूरा कैलकुलेट होकर टेन ए एक्स कट जाएगा तो एन एक्स बाई वन प्लस ए बी ए बी क्या हो जाएगा एन प्लस वन एक्स स्क्वायर एन प्लस वन एक्स स्क्वायर ये हमारे पास टेन इन्वर्ज आ गया लेकिन इसी को हम क्या लिख सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्ज माइनस कॉट इनवर्ज तो कॉट इनवर्ज लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा वन प्लस एन प्लस वन का एक्स स्क्वायर नहीं। ये क्या है टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्ज इसी का कॉट इनवर्स तो ये एन एक्स बटे में वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब इस कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये ऊपर नीचे चला जाएगा तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्ज वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई एन एक्स ये आ गया जो कि हमारे इस ऑप्शन में दिया हुआ है अब ये वैल्यू में अगर हम ये वैल्यू में हम क्या रख दें एस टेन कैलकुलेट करें एस टेन ऑफ एक्स एन की वैल्यू टेन रख दें तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्ज टेन प्लस वन एलेवन तो वन प्लस एलेवन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेन एक्स जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला ऑप्शन वन पा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा पहला ऑप्शन था फॉर एक्स इक्वल टू जीरो और देखिए दूसरे ऑप्शन में करें कि लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी कॉट ऑफ कॉट ऑफ एस ऑफ़ एन ऑफ एक्स एस आफ एन ऑफ एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये देखो ये हम कैलकुलेट कर चुके हों यहां रख दे तो एस ऑफ एन ऑफ एक्स की वैल्यू यहां रख देनी है तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ठीक है कॉट ऑफ दिस काट ऑफ दिस मतलब टेन इनवर्जन इनवर्ज टेन इनवर्ज एन एक्स बटे में वन प्लस एन प्लस वन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्योंकि कॉट है कॉट में बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अब कॉट यहाँ है तो यहाँ इसको पलट देंगे तो कॉट कॉट इनवर्स हट जाएगा तो ये वन प्लस एन प्लस वन का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एक्स हो गया अब एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो लिमिट को अलग अलग कर लेंगे एन टेंस टू इन्फिनीटी वन बाई एन एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ एक एक्स कट जाएगा तो वन प्लस वन बाई एन इंटू एक्स हो जाएगा तो जब एन इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा और वन इंटू एक्स ये एक्स आ जाएगा ये यहाँ से एक्स आ जाएगा जो कि ऑप्शन टू में दिया हुआ है तो टू इज़ करेक्ट टू करेक्ट हो गया तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट सो वन और टू इसका करेक्ट है थ्री और फोर इसका रॉन्ग है ये दो ही ऑप्शन आ रहे हैं तो वन एंड टू ये करेक्ट ऑप्शन है और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया बाकी में ये फंक्शन आ गया फंक्शन सेटिसफाई नहीं कर रहा है तो इसलिए बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो गए ठीक है सो so, चलिए अगले पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर डब्लू दिस इज गिवन अब ये अगर देखा जाए तो ये क्या है ये एक सेगमेंट ऑफ द सर्कल है तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके का एक सर्कल है ये जहां कट कर रहा है ये हमारे पास अगर देखा जाए तो सर्कल क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ फ़ाइनल वेक्टर जेड माइनस माइनस ऑफ अल्फ़ा और जेड माइनस माइनस ऑफ बीटा ये पाई बाई फोर कह रहे हैं ले लो तो इसका मतलब क्या है फाइनल वेक्टर यहाँ से देखिए फाइनल वेक्टर माइनस अल्फ़ा को आ रहा है और ये इनिशियल वेक्टर यहाँ जेड है ये वेक्टर है ये वेक्टर है इनिशियल से फाइनल की तरफ पाई बाई फोर एंगल पे मूव कर रहा है ये जेड है अपना तो ये माइनस बीटा है ठीक है ये दिया हुआ है अब ये अल्फा बीटा जहाँ सर्कल ये बेसिकली एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यही तो दोनों पॉइंट हैं तो अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो वेरी सिंपल इसमें वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो वाई जीरो पुट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो सो यहाँ से एक्स क्या मिलेगा फाइव एंड फोर माइनस वन एंड माइनस फोर तो ये वैल्यू डेफिनेटली माइनस फोर होनी चाहिए ये वैल्यू होनी चाहिए क्या माइनस वन तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया अल्फ़ा वन और बीटा फोर कितना आसान सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन पेपर में यही है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट फोर है यस yes, इधर है और बीटा की वैल्यू करें फोर है यस yes, इधर है कितना आसान सा क्वेश्चन है इसमें कुछ करना ही नहीं है फटाफट आंसर मिल गया तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अस सी दैट अगला पार्ट है तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन मॉड्यूलर्स का क्वेश्चन है तो ये मॉडुलस का क्वेश्चन है हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखिए मॉड यहां लगा है तो आपको पता है ये पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज पॉजिटिव दिस विल गिव यू एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी जब वैन जब ये पॉजिटिव है तो हमारा मॉड हट जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इस इंटरवल में हम सॉल्व करते हैं थ्री है यह माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ प्लस फोर हो जाएगा और प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वन प्लस माइनस अंडर वुड बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए तो वन प्लस माइनस ये अंडरवुड थर्टीन बाई टू ये दोनों वैल्यू निगेटिव है देखिए निगेटिव ये माइनस वन अगर हम माइनस ले लें तो माइनस वन से छोटा हो जाएगा इस इंटरवल में आएगा और अगर प्लस ले लें तो इस इंटरवल में आएगा तो इसके लिए ये दोनों एक्सेप्टेबल आंसर हैं तो दो सोल्यूशन यहाँ से मिल गया तो दो आंसर यहां से मिल गया एक दूसरा केस क्या है ये केस नंबर वन है केस नंबर वन है अब केस नंबर टू केस नंबर टू क्या है तो केस नंबर टू क्या है जब एक्स स्क्वायर माइनस वन यह क्या होगा निगेटिव होगा मतलब x माइनस वन से वन के बीच में होगा तो क्या होगा यहां माइनस आ जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर मॉड हटेगा तो निगेटिव लग जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स माइनस वन हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा तो यहां से हम देख रहे हैं सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस फोर प्लस वन प्लस थ्री हो जाएगा ये हमारे पास आंसर आ गया है. ठीक है ओके तो माइनस फोर माइनस फोर एक मिनट माइनस फोर और माइनस वन माइनस फाइव आ जाएगा यहाँ गलती हो गई है इसको हमें सुधारना है तो यहां हम देख रहे हैं कि फोर माइनस वन से मल्टीप्लाई हो, हो गया माइनस फोर हो गया माइनस वन यहाँ पहले सही है तो माइनस फाइव हो गया अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर माइनस फाइव और सेवन बाई टू इंटू सेवन तो माइनस वन प्लस माइनस ये कितना हो गया पाँच चार बीस बीस एक सौ चालीस एक सौ इकतालीस वन फोर्टी वन बाई फोर्टीन ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आ रही हैं ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल आंसर हैं तो इसलिए दोनों यहाँ से दो यहाँ से आ जाएँगे और दोनों दो, दो बिलोंग्स टू तो दिस बिलोंग्स टू तो माइनस वन टू वन एंड दिस बिलोंग्स टू तो दिस इंटरवल सो so, दो वैल्यू यहां भी है मिले नहीं तो यहां पर टोटल हमारे चार रियल रूट्स होंगे सो so, इसके रियल रूट्स कितने हो गए चार ये अपना आंसर है ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं था बहुत आसान था तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया लेट लेटस मूव टू द अनदर क्वेश्चन सो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन क्या है एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है जो कि सी की वैल्यू है स्मॉल सी की वैल्यू ए बी ट्वेंटी थ्री दिया हुआ है ठीक और बी सी कितना दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है थ्री जो कि स्मॉल ए की वैल्यू है और ए सी कितना दिया हुआ है ए सी फोर है फोर किसकी वैल्यू है स्मॉल बी की वैल्यू है ये हमारे पास सारा डेटा दिया हुआ है तो कह रहे हैं ये वैल्यू क्या होगी तो यहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक तो मिस्टेक है यहाँ थोड़ा सा यहाँ कॉट है कॉट है तो कॉट है तो कॉट ए प्लस कॉट बी बाई कॉट ऑफ सी ये हमारे पास कॉट है हाँ कॉट है बिल्कुल तो यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ कॉट करेक्ट कर लेते हैं तो कॉस ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी बाई साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी बाई साइन ऑफ सी ये हम लोग देखते हैं साइन रूल लगा देंगे तो के साइन ए हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाई के ए हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ बी बाई के बी हो जाएगा और यहाँ कॉस ऑफ सी बाई के सी हो जाएगा तो के से के तो कट गया ये हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं और कोसाइन रूल लगा देते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ए बी सी यहाँ आ जाएगा माइनस यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए बी सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? C, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी सी यहाँ आ जाएगा ये देखिए ये कैंसिल हो गया अब जब हम इसमें से सब करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो एक तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और दूसरा ये टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और नीचे क्या है नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बस इसमें वैल्यूज रखनी है कुछ भी यहाँ करना नहीं है तो हम क्या करें टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है सिक्सटीन ए स्क्वायर क्या है नाइन ए स्क्वायर क्या है नाइन बी स्क्वायर क्या है सिक्सटीन सी स्क्वायर क्या है ट्वेंटी थ्री कैलकुलेट कर लो तो टू सेवन हो गया यहाँ और ये पच्चीस माइनस तेईस पच्चीस माइनस तेईस दो दो से दो कट गया आंसर आ गया अपना सेवन एक मिनट कुछ गलती हो गई इसमें लग रहा है तो ऊपर कुछ गलती हो गई क्या टू बी स्क्वायर आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे प्लस था सॉरी यहाँ प्लस था तो ये प्लस हो गया भाई अब यह गलती हो गई थोड़ी सी ये बिल्कुल गलत हो गया हमारा पूरा तो हम लोग इसको सही कर देते हैं यहीं पे तो यहाँ प्लस था हमने माइनस लगा दिया वहाँ से गलती हो गई ठीक है तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि हमारा ऐड हो जाएगा तो ऐड में जो अपोजिट साइन के होंगे कैंसिल हो जाएंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया टू बी स्क् टू सी स्क्वायर बी की वैल्यू यहाँ फोर लिया है ए की वैल्यू क्या लिया है थ्री लिया हुआ है तो हमारे पास बी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ हमारे पास क्या था कॉट बी कॉट सी था कॉट सी था हम लोगों ने इनफैक्ट क्वेश्चन ही पूरा गलत किया है तो ये हम फिर से सॉल्व करते हैं यही करना पड़ेगा देखिए हमारे पास क्या है थोड़ा जल्दबाजी हम कर गए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमने गलत डेटा ले लिया ए बी सी ठीक है ए बी ए बी की वैल्यू रूट ट्वेंटी थ्री सी की वैल्यू दिया हुआ है रूट ट्वेंटी थ्री ये हमारे पास सबसे पहला आया बी की वैल्यू ए सी फोर बी दिया हुआ है फोर और ए दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है ये हो जाएगा थ्री तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सी क्या है ए बी की वैल्यू सी सी दिया हुआ है ए सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू बी दिया हुआ है और बी सी की वैल्यू ए दिया हुआ है ये दिया हुआ है अब हमारे पास क्या चाहिए ये कॉट है सबसे पहले तो कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ सी बाई कॉट ऑफ बी की वैल्यू हमें चाहिए तो साइन रूल लगा देंगे तो कॉस ऑफ ए बाई के ए प्लस कॉस ऑफ सी बाई के सी होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बी बाई के बी लेकिन के से हमने बताया कि कैंसिल हो जाएगा यहाँ कैंसिल कर देते हैं अब हम क्या करेंगे कॉसाइन फार्मूला लगा देंगे कॉसाइन फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ भी ए बी सी टू ए बी सी टू ए बी सी बन जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए सी ये इसे कैंसिल हो गया अब देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर टू बी स्क्वायर आ गया है तो ऊपर टू बी स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा टू बी स्क्वायर बी की वैल्यू सिक्सटीन बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कितना है नाइन प्लस सी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वेंटी थ्री माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज वॉट सिक्सटीन तो ये टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टू इंटू सिक्सटीन डिवाइडेड में ये कितना हो गया आ, ये हमारे पास आ गया ये नौ सात सोलह तो ये आ गया माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस सात आ गया तो दो सोलह और यहाँ से ये पूरी वैल्यू सोलह ही आ रही है ये कट के दो आ गया देखिए तेरह में से सात गए थर्टीन माइनस सेवन तो सात और ये सिक्स आ गया बिल्कुल सही है ये कट गया ये आंसर टू आ गया तो ये इसका आंसर टू है जो हमारा यहाँ गिवन आंसर है तो ये क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से डिस्कस हुआ ठीक है अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का ये तो ये हम लोग देखते हैं देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है करें यू वी डब्ल्यू बी द वैक्टर्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस यू एंड वी आर द यूनिट फिच आर नॉट परपेंडिकुलर टू इच अदर तो ये दिया हुआ है ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है द वॉलूम ऑफ द पेरलोपाइब हुईट्स आर यू वी डब्ल्यू सो यू डॉट वी को हम मान लेते हैं के लेट लेट कर लेते हैं के अब देखिए हमारे पास क्या है यू वी डब्लू के बॉक्स का स्क्वायर ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो हमें यूज़ करना है तो u डोट u u डोट v u डॉट w तो इसको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे u डॉट u हो गया u डॉट v u डाट w और v डॉट v डॉट u v डॉट v और v डॉट w w डॉट u w डॉट v और w डॉट w ये इसकी वैल्यू होती है और ये हमें u v u v ये दिया हुआ है बाकी हम सब यूनिट वेक्टर देख रहे हैं ये यूनिट वेक्टर तो वन हो जाएगा यहाँ के आ जाएगा यहाँ ये यह सब वन दिया हुआ है डब्लू डब्लू डॉट फोर दिया हुआ बस तो वन दिया हुआ है के हो गया यहाँ यहाँ भी वन हो गया और यहाँ भी वन हो गया यहाँ भी वन ही है और यहाँ भी वन है और यहाँ फ़ोर दिया हुआ है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा ये आ जाएगा वन ये हट गया ये हट गया फोर माइनस वन प्लस के नहीं प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ तो माइनस के माइनस के और ये तो फोर के माइनस वन हो जाएगा फ़ोर के माइनस वन हो जाएगा ठीक है और प्लस वन तो के माइनस वन हो जाएगा ये के माइनस वन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो ये थ्री हो जाएगा और ये माइनस फोर के स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस फोर के हो जाएगा प्लस के माइनस वन तो ये हम देख रहे हैं इसके साथ टू आ जाएगा माइनस फोर के स्क्वायर और ये क्या है अपने पास प्लस फाइव के सो एक बार हमें इसको चेक करना है तो ये क्या वैल्यू आ रही है ये हमारे पास देखना है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें कुछ गलत आ गया है क्या एक बार फिर से चेक करते हैं तो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं तो वन ये और ये हट गया ये माइनस ये ये आ गया फिर k ये हट गया ये हट गया तो फ़ोर के माइनस वन फोर के माइनस वन यहाँ देखिए गलती मिल गई तो फ़ोर के माइनस फ़ोर लिख दिया गया है फोर के माइनस वन हो जाएगा देखिए जब हम के का कोफिशन कर रहे हैं तो ये और ये हटा दिया तो फोर के माइनस वन हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद इसके साथ का तो ये के माइनस वन हो जाएगा ये सही है तो यहाँ पे बस यहाँ प्लस के हो जाएगा तो ये थ्री माइनस फोर के और यहाँ पे ये प्लस के हो जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ थोड़ी सी गलती है तो इसको हम लोग फिर से करते हैं इतना पार्ट तो इतना पार्ट क्या आ गया ये आ जाएगा थ्री माइनस फोर के स्क्वायर प्लस के ठीक है और प्लस के माइनस वन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास पूरा कैलकुलेट होने के बाद ये कैलकुलेट होने के बाद ये करें कि इसके स्क्वायर अब वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैरलो पाइप दिया हुआ है दिस तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी ये वैल्यू आ गई रूट टू का स्क्वायर तो रूट टू का स्क्वायर बॉक्स वैल्यू वॉल्यूम होता है रूट टू का स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आया हुआ है जो ये टू है तो टू माइनस फोर के स्क्वायर और प्लस टू के है ये प्लस टू के है और ये हमारे पास टू से टू यहाँ भी कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास फोर के माइनस टू के इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो टू के कॉमन लेने पे, यहाँ टू के कॉमन ले लिया तो टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया तो के जीरो हो नहीं सकता तो के कितना लिया है हमने वन बाई टू ये हमारा आंसर के हो गया जो u डॉट वी की वैल्यू है ये u डॉट वी की वैल्यू है इसी को हमने यहां माना है के तो के आ गया भाई अब हम आगे चलते हैं अब इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे यहीं पे हम लोग करेंगे u डॉट वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है k जो कि k की, की वैल्यू वन बाई टू आ गया है तो ये इसको हम लोग यहां लिख ले रहे हैं वन बाई टू आ गया है तो अगले पेज पे चलते हैं तो हमारे पास यही क्वेश्चन में अब u डॉट वी मिल गया है u डॉट वी k की वैल्यू जो कि u डॉट वी हमने माना था वो कितना मिल गया है वन बाई टू अब ये हमें फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है थ्री यू प्लस फाइव वी के मॉड को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है जो हमारा रिजल्ट है आंसर हमारा यही होगा ठीक है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट के यही आएगा तो जब हम ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नाइन मॉड यू स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव मॉड वी स्क्वायर और प्लस पाँच या पंद्रह दो तीस थर्टी यू डॉट वी ये आ जाएगा जो हम यहाँ रख देंगे तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं नाइन प्लस पच्चीस और प्लस यू डॉट वी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू तो ये पंद्रह आ जाएगा यहाँ यू डॉट वी की वैल्यू हमने वन बाई टू रख दिया तो थर्टी बाई वन बाई टू तो ये कितना आ गया भाई पंद्रह और पच्चीस ये टोटल चालीस अंडर रूट फोर्टी नाइन आ गया जो कि सेवन होगा सेवन आंसर दिया हुआ है ये इस तरीके से सो आंसर इज सेवन सो दिस पेपर इज नाउ कंप्लीट सो ये पेपर जो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जेई एडवांस का पेपर है दिस डिस्कशन इज़ नाउ कंप्लीट सो थैंक यू वेरी मच हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग सेल्फ ताराचंद टीम मैथ सी एल सी सीकर सो so, आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जेई एडवांस का जो अभी पेपर हुआ था पेपर टू और जैसा कि लास्ट दो साल से अगर हम कंपेयर करें इस पेपर को तो काफ़ी सिंपल पेपर आया है पिछले वैसे एडवांस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहता ही है बट पिछले दो साल से अगर कंपेरिजन करें तो काफ़ी सिंपल पेपर था अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसको जो अभी देखेंगे वो ट्वेल्थ में होंगे तो देखिए अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ठीक है उनको अप्लाई करते हुए किस तरीके से कैसे आपका ये जो पेपर डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के है इसके अंदर दो पैसेज ऐसे आए हैं पूरे पेपर के अंदर जो थोड़े से आपके ऐसे डिफिकल्ट आएंगे वो आगे चल कर के आएंगे आपके सामने लास्ट जो दो पैसेज आएंगे जब वो आएंगे तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे सो so, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन था उसके अंदर देखिए क्या आया था और किस तरीके से देखिए हमें इनको सॉल्व करने हैं क्वेश्चनों को सो क्वेश्चन नंबर वन था हमारा देखो पी से और बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन था इसके अंदर आपको चार सेट दिए गए हैं ट्रिपलेट एस के अंदर देर का आई जे के आई जे के जो नंबर्स है आपके सामने वो वन टू थ्री अप टू टेन ठीक है ना इन तीन आ, दस नंबर्स में से आपको तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं और इस इस तरीके से करने हैं कि वो तीनों के तीनों नंबर इसमें से होने चाहिए ठीक है ना और यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है और एस वन से जो हमारे पास में जो एलिमेंट्स होंगे जैसे यहाँ पर आगे लिखा गया है कि एस आर इज एन आर मीन्स एस वन से जो नंबर्स आएंगे जितने ट्रिपलेट बनेंगे उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर एन वन से तो देखिए n1 वन की जो वैल्यू आएगी हमारे सामने वो कितनी आएगी तो देखिए आई जे और k तो i भी आपका जो 10 नंबर है उन 10 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है जो जे है वो भी आपका इन्हीं टेन नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है टेन पॉसिबिलिटीज है इसको फिल करने के लिए और के के लिए भी हमारे पास में टेन पॉसिबिलिटीज़ है ठीक है ना वैल्यूज आपकी रिपीट हो सकती है मीन्स आई जे के सब सेम भी हो सकते हैं सब डिफरेंट दि, भी हो सकते हैं मीन्स रिपीटेशन के थ्रू जब हम आ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में टेन क्यूब और टेन क्यूब मीन्स कितना हो गया बच्चों वन थाउजेंड तो बिल्कुल आपकी पार्शियल मार्किंग थी यहां पर और इसके अंदर आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्लियर है सिमिलरली बच्चों हम अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की तो ये जो एक इसका जो पार्ट था जो थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट था डिफिकल्ट क्या मीन्स इसके अंदर आपको थोड़े केसेज बनाने होंगे बाकी जो थर्ड और फोर्थ है वो अगेन वापस बहुत सिंपल पार्ट है सो सबसे पहले बात कर लेते एस टू के बारे में मीन्स एन टू की वैल्यू कितनी आएगी तो यहाँ पर देखिए क्योंकि i विल भी लेस देन j प्लस टू तो हमें यहाँ पर इसकी कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो so चलिए हम बात करते हैं कि अगर i की वैल्यू वन होती है तो उस केस में j की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है देखो अगर i वन है ठीक है तो चेक करते हैं क्या j वन हो सकता है क्या तो बच्चों वन विल बी लेस देन वन प्लस टू थ्री वन प्लस टू थ्री सो वन विल बी लेस देन थ्री सो दैट विल बी करेक्ट मीन्स j की वैल्यू बच्चों आपकी वन हो सकती है ऐसे ही बच्चों जे की वैल्यू टू हो सकती है क्या सो टू प्लस टू फोर अगेन वन विल बी लेस देन फोर ये भी पॉसिबल है ऐसे थ्री से लेकर के आपकी कहाँ तक पॉसिबल वैल्यूज होगी बच्चों एट तक पॉसिबल हो सकती है क्योंकि एट प्लस टू टेन हो जाएगा जे की वैल्यू बच्चों नाइन नहीं हो पाएगी क्योंकि नाइन प्लस टू इलेवन हो जाएगा जो टेन से लेस uh, नहीं होगा तो लास्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी एट होगी तो जब आपका आई वन है तब j की वैल्यू 1 से लेकर के 8 तक मीन्स ऐसे जो पेयर बनेंगे हमारे सामने वो कितने होंगे 8 पेयर्स बनेंगे इसी के साथ में बच्चों अगर इसकी वैल्यू टू लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू तो भी जे आपका वन से स्टार्ट हो सकता है वन टू और ये कहाँ तक जाएगा आपका एट तक तो यहाँ पर भी आपकी एट पॉसिबिलिटी जाएगी लेकिन बच्चों अगर आई थ्री हो जाता है तो उस केस में जे वन नहीं हो पाएगा क्योंकि थ्री विल बी लेस देन वन प्लस टू तो थ्री विल बी नॉट लेस देन थ्री तो यहाँ पर बच्चों जे की जो पॉसिबल वैल्यू स्टार्ट होगी वो टू से स्टार्ट होगी और टू थ्री से लेकर के एट तक तो इस बार हमारे पास में टोटल पॉसिबिलिटीज होगी ऐसे ही बच्चों फोर के लिए निकालेंगे तो ये थ्री से स्टार्ट होगा थ्री से लेकर के एट तक तो इस केस में हमारे पास में सिक्स पॉसिबिलिटीज होगी और बाकी आप लोग आगे देख सकते हैं इस तरीके से तो ये जो हमारे पास में सिक्वेंस बनेगी ऐसे चल के लास्ट में वन पर जाकर के फिनिश होगी क्लियर तो पहले के अंदर टोटल आठ केस बनेंगे सेकेंड में एट थर्ड के अंदर सेवन सिक्स और लास्ट में से करते करते वन पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास एक लास्ट केस आएगा जिसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी बाकी आप सारे चीज़ें यहाँ पर लिख करके देख सकते हैं अगर बच्चों हम इन नंबर्स को ऐड करें सो वन से लेकर के एट तक का जो सम होता है वो थर्टी सिक्स और प्लस एट कितना हो गया फोर्टी फोर मीन्स S2 के अंदर जो टोटल पेयर आएंगे वो 44 होंगे और अगेन S2 को हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो B ऑप्शन भी बच्चों हमारा कैसा होगा करेक्ट होगा ठीक है ना इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखो बच्चों S3 के बारे में बात करें तो S3 के अंदर देखिए आपको चार नंबर सिलेक्ट करने हैं I J K और L लेकिन यहां पर देखो बच्चों यहां पर इनका ऑर्डर फिक्स है और हम सब ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है ठीक है कि अगर चारों का ऑर्डर फिक्स हो बच्चों ठीक है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा उस केस में सिर्फ हमें सिलेक्शन करना होगा दस में से चार नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए बच्चों टेन सी फोर जब आपके सामने आ, चार नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो एक ही तरीके से होगा क्यों क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर वो आई होगा वो पहली पोजीशन पर आएगा उसके बाद में उससे बड़ा नंबर सेकंड पोजीशन पे थर्ड थर्ड पोजीशन पे और सबसे बड़ा नंबर फोर्थ पोजीशन पे तो इनका जो अरेंजमेंट्स होगा वो एक ही तरीके से होगा तो बस टेन सी फोर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से आएगा टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन और डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर इसको डिवाइड किया तो ये आ गया बच्चों थ्री और थ्री से इसको डिवाइड कर दिया सो सो दैट विल आल्सो तो ये आएगा बच्चों एंड की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी होगी टू हंड्रेड एंड टेन बट बच्चों पर ट्वेंटी दी गई है इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों गलत हो गया है क्लियर है ऐसे ही चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ अगले ऑप्शन के अंदर क्या है एस फोर के अंदर आई जे के एल अगेन आपको चार डिस्टिंग नंबर सेलेक्ट करने हैं और इस बार बच्चों इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है इसका मतलब सिलेक्शन के बाद में आपको उनका भी करना है तो थर्ड और फोर्थ के अंदर बस यही डिफरेंस था कि 210 को बच्चों आपको फोर फैक्टोरियल में ट्वेंटी से मल्टीप्लाई भी करना है क्लियर है और इसको 24 से मल्टीप्लाई करके तो लास्ट ऑप्शन है उसको आपको बच्चों 12 से डिवाइड भी करना है तो जब इसको आप 12 से डिवाइड करोगे टू तो आ जाएगा टू हंड्रेड एंड टेन इंटू टू दैट विल बी इक्वल टू फॉर ट्वेंटी तो ये अगेन बच्चों आपका सही आंसर होगा सो फॉर ट्वेंटी डी ऑप्शन भी हमारा कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो ये था देखो बच्चों आपका पीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और जो कि आपका बिल्कुल एकदम मतलब इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था सिर्फ एक पार्ट ऐसा ज़रूर था जिसके अंदर आपको काउंटिंग करनी पड़ रही थी बाकी सब के अंदर फॉर्मूले लग रहे थे और बड़ी आसानी से क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है तो ये था हमारे एडवांस के पेपर टू का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही चलते हैं बच्चों हम आगे सेकेंड क्वेश्चन पर और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक से आया था और कैसा है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू के बारे में देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये कौन से चैप्टर का है सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये है बच्चों हमारा से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है और एसओटी के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पर इनक्वलिटीज यूज हो रही है तो इन इनक्वलिटीज को आपको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है मीन्स आपको क्या करना है आपको वहां पर इनिक्वलिटीज लेके आनी है क्वेश्चन के अंदर इन लेके आनी है तो देखिए कैसे लेके आएंगे सबसे पहले बात करें बच्चों यहां पर कॉस पी दे रखा है तो देखिये एसओ टी के अंदर कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू क्यू आर अब देखो जैसे वहां पर इनिक्वलिटी आपको दिखाई दी होगी ठीक है और इधर आपको देखो पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर ठीक है ना माइनस का पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर मीन्स ये वाला जो पार्ट है ना क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर इसके साथ में कोई एक इनिक्वलिटी लगी हुई है और हम सबको पता होता है बच्चों ये ट्राइंगल्स की साइड होती है जो हमेशा पॉजिटिव होती है और नंबर्स अगर हमारे सामने ऐसे हो ठीक है तो देखो हम कैसे निकालते हैं Q बाई आर प्लस आर बाई क्यू ठीक है ना इस सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें हम लोग ठीक है तो इसके अंदर देखो अगर ए एम जी एम का हम यूज करते हैं तो Q बाई आर प्लस आर बाई क्यू डिवाइड बाई टू विल बी ग्रेटर टू क्या होगा बच्चों रूट ऑवर क्यू बाई आर इन टू आर बाई क्यू ठीक है ये कट जाएगा क्यू से क्यू कट जाएगा आर से आर कट जाएगा इसको वापस एलसीएम ले ले बच्चों तो ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू क्यू आर विल बी ग्रेटर इक्वल टू वन अब बच्चों जैसा देखो दूसरी साइड में, में दे रहा, अगर मैं से कर दू, को, तो इधर से भी सपरेट करूंगा तो इधर आ जाएगा बच्चों एलसीएम आ जाएगा और ये क्या बन गया मेरा ये बन गया बच्चों कॉस पी सो so, कॉस पी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी तो वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू क्यू आर वन माइनस पी स्क्वायर ठीक है ना पर थोड़ा सा ना इसको एक बार दोबारा देख ले वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू क्यू आर तो बिल्कुल देखिए पहला ऑप्शन हमें ऐसा दिया गया है मीन्स ये हमारा सही ऑप्शन है ठीक है ना पहला ऑप्शन कैसा हो गया करेक्ट हो गया ऐसे ही बात करते हैं बच्चों दूसरे ऑप्शन की तरफ तो दूसरे ऑप्शन के अंदर देखो P प्लस क्यू अगेन P और Q ट्राइंगल्स की साइड है तो इन P प्लस क्यू को आप उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो उस साइड में उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा तो ये पहला ऑप्शन हमारा हो गया है इसको मिटा देते हैं वापिस और बात करते हैं पहले ऑप्शन के अंदर तो पहले ऑप्शन के अंदर देखिए हमारे सामने यहां पर क्या है पहला ऑप्शन हो गया है हमारा अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर उसके बारे में तो दूसरे ऑप्शन के अंदर देखो आर के अंदर अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर दें पी प्लस क्यू को ठीक है तो उधर आ जाएगा देखिए हमारे पास में ठीक है विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि पी प्लस क्यू एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर को इन इक्विलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर आएगा आपके पास में क्यू माइनस आर इंटू कॉस पी और साथ में आएगा बच्चों पी माइनस आर इंटू कॉस क्यू अब देखो बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे कि कॉस पी कॉस क्यू कॉस आर और साथ में पी क्यू आर एसओ टी के अंदर हमें कहा दिखाई देते हैं बच्चों ये हमें कहां पर दिखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर तो कुछ वैसा बनाने की कोशिश करते हैं देखो बच्चो क्यू कॉस पी ठीक है ना क्यू कॉस पी ठीक है और इधर है पी कॉस क्यू p cos q ठीक है तो ये हमें पता है प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या होता है साथ में आएगा देखो बच्चों माइनस का r cos p इधर नेगेटिव का है उसको इधर ले आइए इस साइड में लेके आएंगे तो देखो r cos p हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव का और साथ में बच्चों इधर देखो प्रेजेंट है p cos r ठीक बच्चो? है बच्चों सिमिलरली इधर देखो बच्चों q cos r भी प्रेजेंट है इधर देखो माइनस वाले में क्या है बच्चों माइनस का r cos q इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का r cos q तो ये दोनों टर्म इधर आ गई और ये एक टर्म बच्चों आपके पास में इधर रहेगी नेगेटिव वाली दोनों टर्म को उधर ले गए तो देखो बिल्कुल हमारे तीनों प्रोजेक्शन फॉर्मूले बन गए हैं सबसे पहले वाला क्या हो जाएगा बच्चों q और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास में p will be greater than or equal to कितना हो गया बच्चों r ठीक है देखो देखो के अंदर अगर एक भी चीज सही होती है दैट ये करेक्ट हो जाएगी दोनों चीजें एक साथ सही होना जरूरी नहीं है और ऐसा हमें ट्राइंगल में बिल्कुल पता होता है कि पी प्लस क्यू हमेशा आर से बड़ा होता है सम ऑफ टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया सही हो गया ठीक है तो ऑप्शन ए सही है ऑप्शन बी भी सही है बाकी दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखें इसी तरीके से ठीक है तो यहां पर देखिए हमें क्या दे रखा है है Q plus R divide by P, so Q ठीक सो इसके अंदर बच्चों अगर मैं साइन रूल लगाता हूं ठीक है ना क्या होगा साइन रूल अच्छा इसके अंदर बच्चों ये रूट जो है ना सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे है ना पूरे पे नहीं है ये साइन पी जो है ये रूट के बाहर है ठीक है ना इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर तो देखो साइन क्यू प्लस साइन आर और उधर है तो क्यू प्लस से चेंज कर देते हैं क्यू आर और पी को तो देखो तीनों को जब आप चेंज करोगे तो वहां कॉमन आकर के यहां पर आ जाएगा साइन आर और डिवाइड बाई साइन पी ठीक है अब देखो साइन क्यू प्लस साइन आर ठीक है इसके अंदर अगर हम ए एम जी एम की इनिक्वलिटी लगाते हैं ठीक है तो हमें पता होता है कि P, Q, R कैसे होते हैं बच्चों जीरो से पाई के बीच में होते हैं जो भी एंगल्स होंगे सब जीरो से 180 डिग्री के बीच में होंगे और जीरो से 180 डिग्री में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन Q और साइन R पर हम ए लगा सकते हैं सो साइन Q प्लस साइन आर विल बी लेस देन और इक्वल टू टाइम रूट ओवर साइन क्यू प्लस ठीक है और ऐसा है इसको अगर हम पी से दोनों साइड डिवाइड कर दें बच्चों क्योंकि पी कैसा है बच्चों एक ऐसा नंबर है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा आ, जो भी रहेगा तो बच्चों यहाँ पर जो इनिक्वलिटी बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है साइन क्यू प्लस साइन आर डिवाइड बाई साइन पी जो क्या है क्यू प्लस आर बाई पी वो लेस देन और इक्वल टू है बच्चों इससे जबकि हमें क्या दे रखा है यहाँ पर ठीक है ये ग्रेटर देन होती है ना ए एम जी ए अर्थमेटिक मीन क्या होता है ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से बट वहां पर बच्चों में क्या दे रखा है लेस देन दे रखा है इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों गलत हो गया ऐसे ही देखो बच्चों आप लास्ट ऑप्शन को देख सकते हो बड़े ही आसानी से लास्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है P will be less than Q and P will be less than R then cos Q will be greater than P by R and cos R will be greater than P by Q देखो बच्चों P Q से भी छोटा है और पी आर से भी छोटा है इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो साइड P है ट्राइंगल के अंदर वो सबसे छोटी है इसका मतलब जो एंगल ए पी होगा आपके सामने वो भी बच्चों सबसे लेस होगा ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है तो Q और R में से ट्राइंगल के अंदर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एक एंगल ऐसा आपका कैसा हो जाए ऑप्टूज हो जाए और अगर एक एंगल ऑप्ट्यूज हो जाए तो उस केस में कॉस क्यू या कॉस आर में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ सकती है ठीक है और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई ये दो साइड का रेशियो है तो पॉजिटिव संख्या से कोई भी नेगेटिव संख्या बड़ी कैसे हो सकती है ठीक है और क्योंकि हमें ये पता है कि P सबसे छोटा एंगल है दैट मीन्स Q और R में से कोई ना कोई एक एंगल हमारा ऑप्टिज हो सकता है और जब ये हो जाएगा तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगी और इसलिए ये हमेशा आपका सही नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी बच्चों आपका कैसा हो गया गलत हो गया तो देखिए यहां पर आपके पास में एसओटी से रिलेटेड क्वेश्चन था और बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली कुछ भी मतलब किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं था जिसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे होंगे क्लियर चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए हमारा क्या है उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है देखो हमारा यह है देखो लिमिट और लेमनी से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऐसे किए होंगे सबसे पहले तो देखो बच्चों अगर सी और डी ऑप्शन को देखें हम लोग क्योंकि ऐसे ऑप्शन बहुत बार किए हैं ठीक है और इनको किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं देखो सबसे पहले तो वन माइनस दे रखा है बच्चों यहां पर ठीक है तो एक काम करते हैं ठीक है वन माइनस ई एक्स स्क्वायर इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बच्चों और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं ठीक है तो ये वाला जो फैक्टर है आपके सामने अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा माइनस एक एक्स कट जाएगा ऊपर से, से, तो e से नीचे तो एक एक्स बच जाएगा नीचे अब देखो इसकी लिमिट तो वन होगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के ऊपर ठीक है

अब देखो बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर है ये आपके पास में जीरो से जीरो का इंटीग्रेशन हो गया तो जीरो बाई जीरो एल एच रू लग जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस इसमें लेमनीज लगा दीजिए तो ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी देर की है वन तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस वन डिवाइड बाई वन तो ये कितना आ गया माइनस वन तो ये आपके पास में जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी

जबकि यहाँ पे माइनस वन दे रखी है इसलिए ये ऑप्शन बच्चों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया क्लियर है अब पढ़ते हैं हम लोग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन किसी इंटरवल में दिए हुए हो कहां पे होता है बच्चों रोलेज थ्योरम के अंदर और रोलेज थ्योरम के अंदर हमें देखो ये एक ऐसा इंटीग्रेशन भी दे रखा है जीरो से पाई पाई थ्री एफ टी डी ठीक है तो देखिए हम ये जो है इसको एक फंक्शन मान लेते हैं ठीक है ना एफ एक्स को ठीक है ना एक ऐसा फंक्शन लेते हैं ठीक है ना जिसका डिफरेंशिएशन ये हो ठीक है ना मीन इसका समाकलन का पार्ट हमें लेना होता है सो F of X और ये किस चीज का इंटीग्रेशन है बच्चों माइनस साइन के साथ में है सो देर विल बी माइनस ओवर साइन थ्री एक्स ठीक है ना और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम कहा से कहां तक जीरो से लेकर के एक्स तक ठीक है तो ये एक फंक्शन है मेरे पास में देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इसमें क्या रोलेज थ्योरम लग रही है क्या अगर इसमें रोलेज थ्योरम लग रही है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आ, ये हो जाएगा एक फंक्शन इस इंटरवल के अंदर हमारा एक सॉल्यूशन जरूर आ जाएगा तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा तो हमें देर रख कर देखो एप ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट ये चीज़ आपके पास में यहाँ पर वैलिड है ठीक है तो दैट विल बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इसके बाद में डिफरेंशियबल uh, ठीक है तो देखिए क्योंकि हमने इसी को इंटीग्रेट uh, करके ये लिखा है तो ये फंक्शन तो हमारा डिफरेंशियबल होगा ही और साइन थ्री एक्स हमें पता है डिफ्रेंशियबल होता है इसलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफ्रेंशियेबल दोनों हो जाएगा इसके बाद में बात करें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर मैं इसको देखो बच्चों नया फंक्शन नाम दे दूँ एच ऑफ एक्स तो एच ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी एच ऑफ जीरो जीरो से जीरो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है सो एच ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी जीरो और साथ में बात करें बच्चों एच ऑफ वन के बारे में सो एच ऑफ वन वन पाई पाई थ्री ठीक है ना अगला पॉइंट क्या है मेरा जीरो से पाई पाई थ्री सो so, जीरो से पाई पाई थ्री एप ऑफ टी डी टी कितना दे रखा है बच्चों जीरो ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो और इसके अंदर अगर पाई पाई थ्री पुट करेंगे तो साइन थ्री पाई पाई थ्री साइन पाई बन जाएगा साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है तो इसकी वैल्यू भी जीरो तो इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है और मेरा डिफ्रेंशियबल है इसलिए इसका एक रूट आपका इस इंटरवल में जरूर लाई करेगा और ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सिमिलरली बच्चों आप बी ऑप्शन को इसी भी तरीके से जैसे अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से करना है उसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अब बाकी सारा पार्ट है उसके अंदर आपके पास में कोई चेंजेज नहीं होंगे इस बार जो फंक्शन लेंगे बच्चों वो क्या लेंगे हम जीरो से एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी ठीक है ये किस चीज का डिफ्रेंशिएशन है बच्चों इस बार माइनस साइन थ्री एक्स ठीक है सो माइनस नहीं प्लस कॉस थ्री एक्स ठीक है ना प्लस कॉस थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा इसको इधर ले आए बच्चों तो ये माइनस प्लस सिक्स बाई एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स बाई पाई और यहाँ पर एक x ले लेते हैं साथ में ताकि इसके डिफ्रेंशिएशन से ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स बाई एक्स अगेन देखो जो कंटिन्यूअस और डिफ्रेंशियबल तो होगा ही फंक्शन क्योंकि कॉस और एक्स है ये तो हमारा है ही कंटिन्यूस फंक्शन और इसको हमने समाकलन करके लिखा है इंटीग्रेशन करके तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस और डिफ्रेंशियबल तो है अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स पर वैल्यू तो सबसे पहले एच ऑफ जीरो निकाल लेते हैं एच ऑफ जीरो तो अगेन जीरो से जीरो में कितना होगा जीरो कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू वन और प्लस ये कितना हो गया जीरो तो कितना आ गया मेरे पास में आंसर वन अब बात कर लेते हैं एच ओ पाई पाई थ्री सो so, एच ओ पाई पाई थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है देखो जीरो से पाई पाई थ्री के अंदर आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है जीरो कॉस पाई पाई थ्री तो कॉस पाई बनेगा बच्चों कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन और ये बनेगा बच्चों पाई पाई थ्री सो so, पाई से पाई कटेगा सिक्स डिवाइड बाई थ्री कितना आ गया टू तो यहां से हमारा ये आंसर कितना आ रहा है ये भी वन आ रहा है अगेन दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है तो रोलेज से हमारा इस इंटरवल के अंदर एक रूट जरूर लाई करेगा और हमारा ऑप्शन बी भी क्या होगा होगा बच्चों सही ठीक है तो यहां पर हमारे ऑप्शन ए बी तथा सी अगेन तीनों ऑप्शन क्या है सही आंसर है क्लियर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आया था हमारा तो ये क्वेश्चन क्या कहां से आ गया हमारा थ्योरम से और साथ में लिमिट का दोनों का एक साथ चलिए लेमिज भी लग रही है क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन है देखो बच्चों हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आया सर पहली बार ऐसा देखो एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा ठीक है देखो बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है डीवाई बाई डी एक्स बराबर एल्फा वाई प्लस एक्स इंटू टू दी पावर बीटा एक्स देखते ही हमें पता चल गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई e की पावर एल्फा वाई का जो कॉम्पिशेंट होता है इन डी एक्स सो देर विल बी इक्वल टू ई टू दावर एल्फा एक्स तो ये कितना बन जाएगा e दी पावर बराबर राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन है दैट इज एक्स इंटू ई टू दी पावर बीटा एक्स इंटू ई टू दी पावर एल्फा एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा और साथ में कितना आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करना है हमें ठीक है अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको इसमें दिमाग लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको एल्फा और बीटा दे रखा है लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पर भी बीटा नहीं दे रखा है इसका क्या मतलब है बच्चों तो अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र हमें ऑप्शन की तरफ डालनी पड़ेगी ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ना इन दोनों में क्या आ रहा है बच्चों e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स देखो कैसे आ सकता है तो e की पावर माइनस एक्स तब आएगा बच्चों जब यहाँ पर आपके सामने क्योंकि इधर भी e की पावर एल्फा एक्स है इधर भी है इधर तो कोई भी e का ना हो और इधर से आपके पास में जो e की पावर x है वो बिल्कुल हट करके इधर माइनस में आ जाए और साथ में देखो कांस्टेंट ट्रम जो है ना खास करके इसी ट्रम को देखें तो इसमें कितना है यहां पर e की पावर माइनस एक्स मीन्स हमारा एल्फा तो वन होगा और एल्फा प्लस बीटा जीरो होगा अगर ऐसा ले लेते हैं एल्फा को वन पहला केस जब एल्फा वन और एल्फा प्लस बीटा कितना हो गया जीरो हो गया तो देखो मेरा पहले और दूसरे में से एक ऑप्शन आ जाएगा और यही चीज बस आपको यहां पर सोचनी थी ऑप्शन को देख के हमें क्या लेना है वाई इंटू e की पावर एल्फा को वन लिया तो ये कितना बन गया e की एक्स एल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया तो ये तो पूरी ट्रम ही हट गई वन हो गया x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी सी निकालने के लिए देखा आपको दे रखा है वाई ऑफ वन की वैल्यू वन है तो दोनों की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ई इक्वल टू वन बाई टू प्लस सी तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाई टू अब देखो बच्चों यहाँ से अगर मैं इसको ई e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर बाई टू इन टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी सी की जगह पर आ जाएगा ई माइनस वन बाई टू और साथ में उधर से ई e की पावर माइनस एक्स जो आया था वो आपका एज इट इज रह जाएगा है? तो ये आपका एक आंसर तो ये जो पहला ऑप्शन हो गया दूसरा केस जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर भी देखो क्या है इधर तो e की पावर माइनस एक्स ही है ठीक है लेकिन इसमें साथ में यहां पर एक e की पावर x आ रहा है तो ये क्या सिनारियो है तो ये सिनारियो बच्चों तब बनेगा जब आपके पास में एल्फा तो वन हो जाएगा ठीक है और साथ में देखो क्योंकि उधर से आप e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना तो वो ट्रम आपके पास में हट जाएगी उधर से ठीक है तो एल्फा तो वन हो जाएगा लेकिन साथ में बीटा को भी कितना करेगा वन करेगा एल्फा और बीटा दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों वन वन हो जाएंगे तब इधर क्या बनेगा ई e की पावर टू एक्स और उधर से ई की पावर एक्स तो ये जो पहले वाली ट्रम है वो तो e की पावर x में आ जाएगी और दूसरी वाली जो ट्रम है आपके सामने वो अगेन कैसी रहेगी क्योंकि ट्रम रहेगी तो उसमें माइनस वन तो इस बार आपका एल्फा वन और बीटा की वैल्यू कितनी एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा टू क्यों क्योंकि जब ये टू लेंगे तभी बच्चों यहां पर e की पावर x बचेगा और दोनों ऑप्शन में देखो e की पावर x दिया गया है तो बस आपको यहां पर ये या ऑप्शन को देख के दो केस बनाने थे पहला एल्फा वन एल्फा प्लस बीटा जीरो और दूसरा एल्फा वन और एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू इस ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं एक बार देखो कैसे सॉल्व करेंगे अगले पेज पे आ जाते हैं देखो तो यहां पर देखो ये जो इंटीग्रेशन था मेरे पास में इसमें अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को टू लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा देखो वाई इंटू ई की पावर एक्स बराबर ये बन गया मेरे पास में एक्स इंटू ई टू दावर टू एक्स इंटू डी एक्स ठीक है देखो इसको हम बड़े ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं ये हमने कर लिया है इसका काम कंप्लीट हो गया तो इसको मिटा देते हैं इस इंटीग्रेशन को करना है मेरे को, आप सब लोग कर सकते हो देखो, 2x 2, minus, पहले का 1, और दूसरे का इंटीग्रेशन इस पूरे को लिख दो इंटीग्रेट कर दो so e 2x 2 पहले से ही था एक और आ जाएगा फोर ठीक है और प्लस सी इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो या पहले सी निकाल लेते हैं वाई इंटू की पावर एक्स जब आपको एक्स वन है तो वाई भी वन है तो इधर से कितना आ जाएगा ये एक काम करो पहले की पावर एक्स को हटा दो यहां से तो वाई बराबर कितना आ गया ई की पावर एक्स कॉमन एक्स बाई टू और यहां पर कितना आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू माइनस वन बाई फोर और साथ में आ जाएगा प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स ठीक है तो यहां से सी आप निकाल सकते हैं एक बार देख ले कि ऑप्शन हमें किस टाइप में दे रखा है बिल्कुल देखो इसी टाइप का है वन बाई टू माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई टू वन बाई टू माइनस एक्स ठीक है ना इसमें से अगर आप वन बाई टू को बाहर कॉमन निकाल लें ठीक है अच्छा यहां पर है x माइनस वन बाई टू और यहाँ पर है वन बाई टू माइनस एक्स तो देखो हमारा कहीं पर भी माइनस नहीं आ रहा है x बाई टू माइनस वन बाई टू ही दे रखा है वो इस ऑप्शन में है

ठीक है तो ये देखिए वेक्टर से आपके सामने एक एक नहीं दो क्वेश्चन आए थे पेपर में भी आया था ना आ, तो क्या पूछा गया देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम जिसको वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो इसको बड़े ही आसानी से कर सकता है क्वेश्चन को सॉल्व इसमें आपको दे रखे हैं देखो ओ ए तथा ओ सी ओ ए और ओ बी तो दोनों वेक्टर पूरे के पूरे दे रखे हैं आपको ओसी वेक्टर के अंदर एक रिलेशन दिया गया है वन बाई टू ओ बी माइनस लेमडा ओ फॉर सम लेमडा ग्रेटर देन जीरो लेमडा कैसा है पॉजिटिव और ओ क्रॉस ओ का जो आपके पास में मॉडलस है वो कितना दे रखा है नाइन बाई टू देन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो ये काम करते देखो बच्चों ओ और ओ तो हमें दे रखे हैं पहले हम ओ वेक्टर निकाल लेते हैं और जब वेक्टर आ जाएंगे तो फिर इनमें से आप सारे ऑप्शंस को बड़े आसानी से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ठीक है तो ओसी वेक्टर के लिए देखो सबसे पहले तो उधर आपको दे रखा है ओबी क्रॉस ओसी बराबर तो यहां पर ओसी है उसको ओबी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये आएगा देखो ओबी क्रॉस ओसी बराबर कितना आएगा ओबी क्रॉस ओबी ये तो जीरो हो जाएगा तो वन बाई टू माइनस लेमडा ओबी क्रॉस ओ ए इस माइनस साइन को भी देखो हटा देते हैं तो इसमें से इसको लिख दीजिए ओ ए क्रॉस ओ बी सो लेमडा बाई टू और ये बन जाएगा आपका ओ ए क्रॉस ओ बी ठीक है ये क्या है आपका ओ बी क्रॉस ओ सी ठीक है इसका देखो आपको दे रखा है इसका मॉडलस कितना है नाइन बाई टू ठीक है तो इसका अगर मैं मॉडलस ले लूं दोनों साइड ठीक है तो ये कितना है मेरे पास नाइन बाई दे रखा है ओ ए क्रॉस ओ वी देखिए ये हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं यहां पर आई जे के यहां पर दे आपको दो दो एक यहां पर है एक माइनस दो और दो देखो कितना आ रहा है चार प्लस दो तो दैट विल बी सिक्स आई केप माइनस ये ये और हट जाएगा फोर माइनस वन देर विल बी माइनस थ्री जे के और अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट माइनस फोर माइनस टू दैट विल बी माइनस सिक्स के के ठीक है ना फोर प्लस टू सिक्स फिर फोर माइनस वन थ्री बाहर माइनस साइन और फिर माइनस फोर माइनस टू देट विल बी माइनस सिक्स के के ये क्या है ओ ए क्रॉस ओ बी इसका अगर बच्चों हम निकालें क्या चीज इसका अगर हम मॉडलस निकालें ठीक है इसका परिमाण कितना होगा सो बी थ्री तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से सो लेमडा बाई टू थ्री तो कॉमन आ गया और साथ में बचेगा टू आई माइनस जे माइनस सिक्स के तो इसका भी कितना आ जाएगा बच्चों थ्री आ जाएगा और इसका मॉडलस सो so, देखो नाइन बाई टू से नाइन बाई टू कट जाएगा सो मॉड ऑफ लेमडा बराबर सो बराबर प्लस माइनस वन लेमडा की वैल्यू वैल्यून और माइनस वन दो आ रही है लेकिन हमें दे रखा है कि ग्रेटर देर जीरो बच्चों वन आएगी और लेमडा वन आ गया दैट मीन्स आपको यहां से ओबी माइनस ओ ए बाई टू ये आपको ओसी वैक्टर मिल गया और ओ सी वैक्टर मिल गया तो यही हमें चाहिए था ओ सी वैक्टर कितना आ जाएगा देखो इसमें से इसको आ, कर दो सो आई माइनस टू बी माइनस आई के उसके बाद में आएगा बी के ठीक है ये आ गया हमारे पास में हमारा ओसी वैक्टर ओसी वैक्टर आ चुका है ओ ए और ओ बी पहले से दे रखे है अब आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो देखो ओसी का ओ ए पर प्रोजेक्शन कितना होगा तो क्या होता है फॉर्मूला ओ डॉट ओ ए ठीक है ओ का ओ के साथ डॉट प्रोडक्ट करो देखो कितना आ रहा है वन बाई टू ए के साथ में माइनस एक इंटू दो माइनस दो साथ में कितना आएगा फोर माइनस फोर इंटू टू दैट विल बी माइनस एट और साथ में कितना आएगा वन इंटू दैट विल बी प्लस और डिवाइड बाई ये जो वेक्टर था आपके पास में प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए ठीक है ना ओ ए पे निकालना था तो ओ ए का अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा थ्री ठीक है ना ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में किसकी प्रोजेक्शन की देखिए कितनी आ रही है देखिए टू से टू तो कट जाएगा ठीक है और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एक बार चेक कर लो माइन टू इंटू माइनस वन ओ ए ओ सी वन बाई टू तो बाहर था ही टू इंटू माइनस वन विल बी माइनस टू टू इंटू माइनस फोर देर विल बी माइनस एट और वन इंटू वन विल बी प्लस वन तो ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी उसके लिए देखो आपको क्या करना है का मॉडल सो ये देखो हमने निकाला था यहाँ पर ये ओ ए क्रॉस ओ बी ठीक है ना ये रहा इसका कितना आया था इसमें से थ्री कॉमन आ जाएगा उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में थ्री बाई टू ठीक है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी ठीक है सो थ्री इन टू थ्री बाई टू ठीक है तो दैट विल बी इक्वल टू नाइन बाई टू तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया बच्चों सही हो गया ओ ए बी ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी ठीक है इसके बाद में अगला एरिया ऑफ द दाइंगल ए बी सी ये भी आप निकाल सकते हो आपके पास में तीनों वेक्टर है ठीक है जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे बड़े ही आसानी से आ जाएगा नाइन बाई टू एंगल बिटवीन द डायगनल ऑफ द पेरेलोग्राम विद एडजस्टिंग साइड्स आर ओ ए एंड ओ बी ओ सी विल बी पाई पाई थ्री देखिए अगर एक पेरेलोग्राम की दो साइड्स आपके पास में ये है ओ ए तथा ओ सी तो डायगनल आप आ, कौन कौन से होंगे दो डायग्नल्स बनेंगे एक साइड ओ ए दूसरी ओ सी तो एक तो बनेगा आपके पास में ओ ए प्लस ओ सी और एक डायग्नल बनेगा बच्चों आपका इस साइड वाला ओ ए माइनस ओ सी और ये दोनों वेक्टर आपको पता है ये वेक्टर भी पता है और ये वेक्टर भी आपको आ, पता है ओ ए वो रहा ओ सी आ रहा एक बार ऐड कर दो एक बार सबट्रैक्ट कर दो और इसके अंदर cos थीटा बराबर वेक्टर डी वन डॉट डी टू डि मोट डी वन डी टू इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये पाई पाई थ्री नहीं आएगा बच्चों इसलिए आपका जो ऑप्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्लियर है फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखो कहां से है हमारा क्वेश्चन है अगला पेरो पेराबोला से बड़ा ही आसान क्वेश्चन बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर का अगर था तो ये था जिस बच्चे को थोड़ा सा पेराबोला अगर अच्छे से आता होगा देखो ध्यान से क्या दिया गया है एक पेराबोला है वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स ये आपका एक पेराबोला है एक पॉइंट है माइनस टू कोमा फोर देखो बच्चो माइनस टू कोमा फोर इसमें वैल्यू टू है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी बच्चों एक्स बराबर माइनस टू तो इसके ऊपर आपको एक पॉइंट दे रखा है माइनस टू कॉमा फोर इस पे है डायरेक्ट्रिक्स पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना इसको अगर आप नोट करोगे ना तभी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एंड लेट क्यू एंड क्यू टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है उस पर एक पॉइंट आपका क्यू है और दूसरा पॉइंट क्यू है ठीक है लाइन पी क्यू एंड पी क्यू डेस आर टेंजेंट्स टू ई क्या था आपके पास में पैराबोला था लेट एप बी द फोकस ऑफ ई ठीक है ना एप इसका क्या है बच्चों फोकस है ठीक है तो हम सबको पता है देखो क्योंकि जब टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है ए टी वन टी टू और टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन होती है जब ये फोकल कॉर्ड होती है ठीक है या ये कहें कि जब भी आप किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो ठीक है तो अगर वो पॉइंट आपका डायरेक्ट्रिक्स पे है ठीक है तो वहां से आपके सामने जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो वो आपके सामने क्या होगी फोकल कॉर्ड होगी तो ये पॉइंट एफ से ही पास करेंगे क्लियर लेट एफ बी ऑफ ऑफ ई देन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अब जिसने ये डायग्राम बनाया है इसको आगे पेन चलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है सीधे आपके सामने सारे ऑप्शन सॉल्व होंगे पहला ऑप्शन देखो द ट्राइंगल पी एफ क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल देखो बच्चों ये पॉइंट पी है हमारे पास ये क्यू है ये एफ है सब ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी टेंजेंट अगर आपके सामने डायरेक्ट्रिक्स के साथ में उनमें उसका जो भी ये पार्ट होता है ये फोकस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों नाइन्टी डिग्री का याद कीजिए प्रॉपर्टी कितना एंगल होता है नाइन्टी डिग्री तो ये राइट एंगल है बिल्कुल सही बात है दूसरा दाइंगल ओ पी क्यू इज e, ए राइट एंगल ट्राइंगल इसमें तो बच्चों कुछ सोचना ही क्यू पी क्यू डेस इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है क्यू पी क्यू डेस ठीक है ये इसका क्या होता है डायरेक्टर सर्कल होती है डायरेक्ट्रिक्स ठीक है और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ एप, एप ये टू कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो बच्चों पी एफ के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा फोर फोर देर विल बी फोर रूट टू जबकि यहां दे रखिए फाइव रूट टू तो ये हो गया बच्चों गलत ऑप्शन ऑप्शन डी है एप लाइज ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड क्यू डे सीधी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास और जैसे हमने डायग्राम बनाया था उसी टाइम पर ध्यान दे दिया था कि ये आपके पास में क्यू क्यू डेस को ज्वाइन करने वाली लाइन एप से ही पास होगी ऐसा क्यों होता है बच्चों क्योंकि देखो इसके लिए कंडीशन होती है टी वन टी टू बराबर माइनस वन याद कीजिए और इसका जो पॉइंट होता है हमारे पास में वो कितना होता है एक्स कोऑर्डिनेट ए टी वन टी टू ए की वैल्यू टू है और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस वन तो माइनस टू तो दोनों चीजें एकदम आ रही है तो बिल्कुल ये इस पूरे पेपर का जो मेरे सबसे आसान क्वेश्चन लगा क्योंकि ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज सब बच्चे पढ़ते हैं ठीक है और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अब देखो बच्चों यहां से आपके सामने पेसेज स्टार्ट होते हैं ठीक है और इन पेसेज के अंदर आपके सामने प्लस टू मार्क्स के सारे क्वेश्चन है ठीक है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन ऑल अदर केसेज ठीक है आंसर जो आएंगे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के आएंगे में, में भी आ सकते हैं ठीक है तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको अपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है हर पैसेज में दो दो क्वेश्चन है हर पैसेज आपका नंबर का रहेगा यहां पे चलिए बात करते हैं सबसे पहले देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको पहले पैसेज के अंदर और यहाँ पर देखिए क्या है ये ध्यान से देखिएगा बहुत ही आ, सिंपल सा और अगर आप इसका देखो ज्योमेट्री बड़ी अच्छे से बनाते हो ना तभी ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं नहीं तो आप कैलकुलेशंस में इनमें फंस सकते हैं

जिसका ये जो पॉइंट है आपके पास में ये कितना हो जाएगा 4,0 जब y0 होगा सो so 4,0 इनइक्वालिटी दी गई है दैट मींस आपको इसके अंदर का पार्ट लेना है और x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस इसके आपके आगे की बात करनी है ठीक है ये तो आपका पहला डायग्राम हो गया r वाला जो रीजन है बच्चों ये कौन सा है इसके अंदर का रीजन है लेट f विद द फैमिली ऑफ दी ऑल दी सर्कल दैट आर कंटेंड इन r ठीक है ना जो सर्कल आर है वो आपके सामने सारे के सारे यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं इस रीजन आर के अंदर सारे सर्कल्स सेंटर सेंटर ऑन एक्सिस एक्सिस उनका जो है है वो पर पे सी बी दी सर्कल दैट हैज लार्जेस्ट रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों लार्जेस्ट रेडियस अमंग द सर्कल इन एप ठीक है ना एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कैसी होगी बच्चों मैक्सिमम होगी तो देखो बच्चों मैक्सिमम रेडियस का सर्कल वो होगा यहाँ पर जो ओरिजिन से पास करेगा इधर भी टच करेगा और ऐसे ऊपर की साइड में भी इसको कहीं ना कहीं पे टच करेगा इसमें जो मैक्सिमम के लिए आपके पास सामने जो पॉइंट रहेगा वो आपका कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा क्लियर है और ओरिजिन से पास करेगा तो उसका सेंटर भी आर कॉमा जीरो हो जाएगा और उसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी बस यही पॉइंट इसके अंदर आपके पास में क्लिक करना चाहिए था इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है बच्चों वो है अल्फा कॉमा बीटा ठीक है है ये वैल्यू ऑफ एल्फा मीन्स आपको आर और एल्फा दोनों की वैल्यू निकालनी है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो देखो बच्चों अगर आपने ये ज्योमेट्री बना ली है अब बहुत आसान है सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों और देखिए x कॉमा वाई ये सर्कल भी आपका इस पॉइंट अल्फा बीटा से पास करेगा ठीक है वाई स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए फोर माइनस एक्स क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है तो ये बन जाएगा देखो एल्फा स्क्वायर माइनस टू एल्फा आर प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर की जगह पर फोर माइनस एक्स मीन्स फोर माइनस एल्फा और विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि आर स्क्वायर मेरा कट गया था तो यहां से देखो मेरे आर की क्या वैल्यू आ गई आर बराबर आ गया एल्फाइर माइनस एल्फा डिवाइड बाई टू एल्फा एक रिलेशन तो बच्चों आ गया ये दूसरा रिलेशन क्या है बच्चों दूसरा रिलेशन देखो निकालेंगे हम किससे कॉमन नॉर्मल से ठीक है ना सर्कल का जो नॉर्मल होगा वो उसके सेंटर से पास करेगा और पैराबोला के लिए बच्चों नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं हम क्योंकि स्लोप से ही हमारा काम रहेगा तो पहले तो यहां से स्लोप कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी मेरे पास बीटा माइनस ना बीटा माइनस जीरो से देखो इसकी नॉर्मल की स्लोप इससे कैसे निकालेंगे पैराबोला से कैसे निकालेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों इसमें अल्फा बीटा पुट करोगे तो ये टेंजेंट की स्लोप होगी, so तो हो हो so आपके पास में रिलेशन आ जाएगा एल्फा माइनस आर बराबर तो यहां से भी देखो आर की वैल्यू आ गई थी वहां से भी आर की वैल्यू दोनों को पुट कर दो 1 by 2 को उधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका 2 एल्फा minus 1 divide by 2 बराबर एल्फा square plus 4 minus एल्फा divide by 2 एल्फा ठीक है 2 से 2 कट जाएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है यहाँ से अगर हम इसमें उधर ले जाके LCM लेंगे तो 2 एल्फा आ जाएगा बिल्कुल ठीक है कितना आ रहा है देखो यहाँ से एल्फा square plus 4 minus एल्फा इस two से two कट गया, और यहाँ से है आपके पास एल्फा माइनस आर बराबर वन बाई टू तो आर बराबर हो गया टू एल्फा माइनस वन डिवाइड बाई टू इसको इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है टू एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस फोर माइनस एल्फा एल्फा से एल्फा कट जाएगा एल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहां से आपको एल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बच्चों फोर तो एल्फा कितना आ गया मेरे पास टू एल्फा की वैल्यू टू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 half, तो रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू कितनी आएगी टू माइनस वन बाई टू दैट इज वन पॉइंट फाइव तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी टू ये भी इसका आंसर कितना आ जाएगा टू इसका आंसर वन पॉइंट फाइव और इसका आंसर टू इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो इंपॉर्टेंट पार्ट थी वो ये थी कि मैक्सिमम रेडियस का सर्कल तभी बनेगा जब वो कहां से से पास करेगा ओरिजिन पहला पॉइंट पॉइंट दूसरा point कैसे करेंगे कैसे तो एक तो कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ठीक है जिस पॉइंट के ऊपर वो यहाँ पर आ, टच कर रहे हैं इसको वो पॉइंट और दूसरा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से तो दो रिलेशन बनाएंगे और दोनों रिलेशन से आसानी से फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियर चलते बच्चों अगले पैसेज की तरफ अगला पैसेज क्या था देखो बच्चों ये पैसेज ही बच्चों बड़ा आसान पैसेज था जिसको थोड़ा सा लेमनेज के बारे में पता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और, मैक और पॉइंट ऑफ मिनिमा के बारे में बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो सबसे पहले तो ये एप वन जो दे रखा है ना वो है क्या देखो जीरो से एक्स देखो पाई का मतलब हम सबको पता होता है प्रोडक्ट होता है ठीक है आ, वन से लेके टी वन तक सो टी माइनस वन आ, T -2 की पावर टू T -3 की पावर टू टी माइनस ट्वेंटी वन की पावर ट्वेंटी वन ये क्या दे रखा है मेरे को ये एफ वन एक्स दे रखा है अब देखो बच्चों मेरे को करना क्या है इसमें आगे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इसके अंदर हमें लोकल मिनिमा और लोकल पॉइंट्स निकालने हैं। किसके अंदर? के अंदर के पहले मेरे को कितना हो जाएगा एम टू और एन टू जो नीचे वाले में रिक्वायरमेंट होगी तो देखो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर किसी भी फंक्शन के लिए मेरे को निकालने हैं तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा उसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए होगा और लेमनीज जब लगी हुई है तो डिफरेंशिएशन इससे आसान तो और क्या होगा बच्चों ट्वेंटी सिंपल आपको एक्स यहां पुट करना है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा अब बच्चों इसमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है ठीक है तो देखो बच्चों इवन पावर वालों को तो नंबर लाइन पे पुट नहीं करना है सिर्फ ऑड वालों को पुट करना है ऐसे चलते चलते आ गया और ठीक है राइट हैंड साइड में क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इधर आकर के जो भी रहेगा यहाँ पॉजिटिव मिस देखो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा यहाँ पर फिर इंक्रीजिंग होगा यहां पर फिर डिक्रीजिंग होगा बस मेरे को ये पता करना है कि 21 मिनिमा है या मैगजिमा क्योंकि उसके बाद तो अल्टरनेट चलने हैं तो 21 मिनिमा है बच्चों तो 21 17 वन्ती उसके पहले 13 ये सब मिनिमा होंगे तो 21 मिनिमा मिनिमाम इस आउटर वाला मिनिमा है टोटल कितने पॉइंट है बच्चों ग्यारह पॉइंट है तो मिनिमा कितने होंगे बच्चों छे होंगे अब ध्यान से देखना पहले शायद आपको लोकल मिनिमा दिया हुआ था बच्चों बिल्कुल लोकल मिनिमा जो है ना वो एम आई है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा तो एम वन की वैल्यू तो बच्चों 6 हो जाएगी और एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों पांच हो जाएगी क्योंकि टोटल पर पॉइंट है या तो आप पूरा बनाओ और नहीं तो अगर टोटल ग्यारह तो होगा तो पोट करो बच्चों बारह प्लस पंद्रह प्लस सिक्स इंटू फाइव थर्टी कितना हो जाएगा थर्टी प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व फिफ्टी सेवन ठीक है तो फिफ्टी सेवन बिल्कुल सही आंसर क्लियर ऐसे ही बच्चों आपको जो दूसरा फंक्शन है उसके लिए करना है ठीक है तो अगर आपने ये कर लिया तो दूसरा तो बहुत ही आसान है इसमें तो फिर भी आपको थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा थे इसलिए काउंटिंग में दिक्कत आ रही थी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है एप टू के अंदर अगर करेंगे एप टू डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा बच्चों 98 एट इंटू फिफ्टी इंटू एक्स माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा 49 और साथ में है बच्चों माइनस सिक्स हंड्रेड इंटू फोर्टी इंटू एक्स माइनस वन की पावर फोर्टी एट और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों जीरो क्लियर अब देखो यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते माइनस वन की पावर फोर्टी एट कॉमन आ जाएगा ध्यान से देखना फोर्टी नाइन इसमें भी है फोर्टी नाइन इसमें भी होगा इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड इधर भी हंड्रेड सो फोर नाइन डबल जीरो कॉमन आ जाएगा आपके पास फोर नाइन डबल जीरो पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ एक्स माइनस वन बचेगा फोर नाइन डबल जीरो कॉमन लोगे माइनस का सिक्स और एक्स माइनस वन की पावर फोर्टी एट कॉमन आ गया तो ये फैक्टर बन गया बच्चों एक्स माइनस सेवन की पावर वन और ये है एक्स माइनस वन की पावर फोर्टी एट इस बार तो बच्चों सिर्फ एक ही पॉइंट आया मेरे पास सेवन क्योंकि इसकी पावर इवन है इस फैक्टर को हमें लिखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है 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 इसका मतलब ये ये पॉइंट पॉइंट कैसा है बच्चों मिनिमा मिनिमा है। तो एम टू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों वन और एन टू की वैल्यू कितनी आ गई जीरो सिक्स एम टू ये सिक्स हो जाएगा बाकी दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्स ये बिल्कुल आपका सही आंसर दिया गया है क्लियर है तो ये हो गए बच्चों हमारे पहले दस क्वेश्चन अब बात करते हैं हम लोग अगले पैसेज की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला पैसेज क्या है आइए देखते हैं अगला पैसेज है बच्चों आपका इंटीग्रेशन से ये भी देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था अगर किसी ने थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन अगर अच्छे से पढ़ा है थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन और एरिया के बारे में अगर आपको रिलेशन अच्छे से पता होंगे तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से देखो बच्चों ये तो आपको डोमेन रेंज दे रखी है दोनों फंक्शन की ये फंक्शन जी वन दे रखा है जी टू दे रखा है और एफ दे रखा है तीन फंक्शन दे रखे हैं एस आई आपके पास में एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें एफ एक्स इंटू जी आई करना है तो दोनों ऑप्शन के लिए एक बार एस वन निकालना है एक बार एस टू निकालना है देखो बच्चो एस वन बराबर कितना हो जाएगा एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स और एस वन के लिए बच्चों जी वन यूज करेंगे जी वन की वैल्यू वन है और यहां पर यूज कर लो बच्चों पाई पाई एट से लेकर के थ्री पाई पाई एट तक इंटू डी एक्स अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को भी करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर एक बार आप फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए कौन सी ए प्लस बी माइनस एक्स वाली ध्यान से देखो पाई पाई एट प्लस थ्री पाई पाई एट फोर पाई, पाई पाई एट फोर पाई पाई एट कितना होता है पाई पाई टू तो ये बनेगा पाई पाई टू माइनस एक्स तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कॉस के अंदर दोनों इंटीग्रेशन को एड कर दीजिए बच्चों तो टू एस वन बराबर आ जाएगा लेकर के थ्री पाई पाई एट वैल्यू पुट करो थ्री पाई पाई एट माइनस पाई पाई एट टू पाई पाई एट टू से टू कट जाएगा तो एस वन कितना आ गया बच्चों पाई अपॉन एट Put कर दो यहां पर एस वन की जगह तो तो क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों अगर आप integration से जाते हो ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट अगर जैसे मैंने कहा आपको इंटीग्रेशन और एरिया दोनों का कॉन्सेप्ट अगर एक साथ पता होगा ना तो बड़े आसानी से कर लोगे हो गया टू अब बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में दूसरे में बच्चों यहाँ पर क्या करना है एस टू एस टू मतलब यहाँ पर जी टू यूज करना है और जी टू है देखो दुबारा, square X. और यहां पर है बच्चों आपके सामने mod ओवर फोर एक्स माइनस पाई और इधर है आपके पास में वही लिमिट पाई पाई एट से थ्री पाई पाई एट ये क्या है आपका एस टू ध्यान से देखना इस बार देखो जो तो इसको तो हमने पहले देखा है तो कन्वर्ट हो रहा था कॉस में ये भी कन्वर्ट हो रहा है देखो इसमें अगर आप फोर पाई अपॉन एट पुट करोगे ना तो ये आएगा फोर एक्स की जगह पर फोर पाई 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 एट प्लस थ्री पाई पाई एट कितना हो जाएगा फोर पाई पाई एट माइनस फोर पाई पाई एट माइनस एक्स और माइनस पाई एक्स की जगह पर यह पुट करना है माइनस एक्स फोर एक सेकंड यहाँ पर देखो इसकी जगह पर हमें बी माइनस एक्स तो ये बनेगा देखो यहाँ पर दे रखा है फोर एक्स माइनस पाई एक्स है बच्चों हमारा पाई टू माइनस एक्स और साथ में कितना है बच्चों माइनस पाई तो कितना आ रहा है देखो टू पाई माइनस फोर एक्स माइनस पाई कितना बनेगा मॉडल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको आप फोर एक्स माइनस पाई लिख सकते हो तो ये भी चेंज नहीं हो रहा है तो जैसे ही आप दोनों को एक बार एड करोगे प्रॉपर्टी लगा के तो ये कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बच्चों सेम रहेगा दोनों को एड करोगे तो साइन और कॉस तो गायब हो जाएंगे लेकिन टू एस टू बराबर आ जाएगा इस बार मॉड ऑफ फोर एक्स माइनस पाई ठीक है ना 4 को बार कॉमन ले लीजिए तो एस टू बराबर आ गया मेरे पास 2 टाइम एक 2 कट जाएगा मॉड ओवर x माइनस पाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 ये आ जाएगा अब देखो बच्चों इसको मेरे को पाई पाई एट से लेके थ्री पाई पाई एट तक इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन मत कीजिए इसका एरिया निकाल लीजिए ये देखो कैसा है बच्चों ये रहेगा आपके सामने इसको मिटा दे यहां पर कर लेते देखो ये आपके सामने कुछ ऐसा सीन बन रहा है पाई अपॉन एट से लेकर के और आपको कहां तक करना है थ्री पाई अपॉन एट तक का एरिया निकालना है और पाई अपॉन फोर होता है टू पाई अपॉन एट जो बिल्कुल इसके मिड में लाइक करेगा पहले ग्राफ इधर से आएगा फिर इधर जाएगा तो एक्चुअली आपको बच्चों ये एरिया निकालना है सिमेट्री सिटी से दिखाई दे रहा होगा दोनों एरिया सेम होंगे पाई पाई एट पर बच्चों इसकी जो हाइट आएगी ना वो भी पाई पाई एट आएगी तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा टू इन टू दो ट्राइंगल है टू टाइम वन बाई टू बेस इसका बेस ले लीजिए ये होगा बच्चों पाई अपॉन एट और साथ में इसकी हाइट भी होगी बच्चों पाई अपॉन एट एक टू कट जाएगा एक टू से कट जाएगा बच्चों फोर टाइम तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू यहाँ पुट कर दीजिए फोर्टी एट पाई स्क्वायर इन टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई थर्टी टू तो ये हो गया कैंसिल आउट फोर्टी एट बाई थर्टी टू तो इसका आंसर देखिए आपको 1.5 दिया गया है तो बिल्कुल सही आंसर है क्लियर है तो ये वाला जो पैसेज था आपका ठीक है ये बिल्कुल ये जो चौथी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड था डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया का मिक्सर चाहो तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो लेकिन कंफ्यूजन रहेगा सॉल्व कर लीजिए सही आंसर होगा वन पॉइंट फाइव क्लियर है चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन थ्री स्टार्ट हो जाता है बच्चों यहाँ से और सेक्शन थ्री के अंदर देखिए हमारे सामने तीन जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहां से आया है देखो वो आया है हमारे पास एक सेकेंड हमें पीछे सारे देख लिए ना एक बार देख ले कुछ छूटा तो नहीं बिल्कुल 11 बार हमने देख लिया अब जा रहे हम 13, 14 की तरफ और इसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर ठीक है इसके अंदर देखिए आपको क्या दे रखा है

तो आपको देखो एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ठीक है इसके बाद में देखो बच्चों आपको आगे चल करके दे रखा है कि सी एन डिनोट्स दि सर्कल विथ सेंटर एस एन माइनस वन कोमा जीरो मीन्स एक्स एक्स के ऊपर सेंटर वाले कुछ बच्चों यहाँ पर सर्कल्स दे रखे हैं और एन के फॉर्मेट में दे रखा है रखे कुछ ज्यादा ही सर्कल आने वाले हैं और उनकी जो रेडियस है उसको किसे रिप्रेजेंट किया गया है ये जो जीपी है इसकी एन से वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन ठीक है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हम बात करें कि एक सर्कल कोई ऐसा होगा ठीक है ना जिसकी जिसका सेंटर इसके ऊपर होगा और उसकी रेडियस होगी बच्चों ए एन ठीक है और ये है बच्चों आपका cn और ये है बच्चों आपके पास में जीरो ठीक है अच्छा इसका सेंटर तो आपको sn 1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो देखो इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों sn 1 ठीक है और इस सर्कल की जो रेडियस होगी ठीक है ना c1 c2 क्या होता है बच्चों r r से स्मॉल होता है दैट विल बी लेस देन बड़े वाला जो सर्कल है वो r माइनस छोटे वाले की जो रेडियस है an तो से देखिए बच्चों बस यही जो आपको यहां पर सोचना था प्लस एन बी लेस वन और सी वन सी टू लेस देन होता है ठीक है जो बड़ा सर्कल की रेडियस है वो माइनस जो छोटे सर्कल की रेडियस है उससे ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको यहाँ पर लगानी है ए एन आपको दे रखा है आर आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है एस एन निकाल लीजिए आपकी जो जीपी है वो क्या है देखो वन बाई कहा स्टार्ट से से है तो वन वन बाई टू वन बाई फोर एन सो ऑन एन तक जीपी है तो इसके अंदर एस एन आ जाएगा बच्चों आपका वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई टू दैट इज टू ठीक है तो ये बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे लेकिन उसके पहले देखो एस एन माइनस वन प्लस ए एन

देखो एस एन be देन आर सो टू इन टू वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन और आर दे रखा है बच्चों में वन जीरो सॉल्व करते हैं देखो कितना आ रहा है इस टू को इधर ले आते हैं इस टू को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा टू माइनस वन जीरो टू फाइव डिवाइड बाई फाइव वन थ्री विल बी लेस देन टू अपॉन टू की पावर एन इसको इधर ले आए अब इसको सॉल्व करो देखो 513 2 देयर विल बी 1026 minus 1025 1 513 विल बी लेस देन 2 by 2 की पावर n इस 2 तो को उधर मल्टीप्लाई कर दो सो so 2 की पावर n विल बी लेस देन इसको रेसिप्रोकल कर दो कितना आएगा सो so 2 की पावर n आ, एक काम करो पहले उसको इधर ले आओ पहले तो रेसिप्रोकल कर दो सो so 513

जितने भी सर्कल्स होंगे ना उन सारे तो एन की वैल्यू टेन हो सकती है पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल ठीक है ना कितने सर्कल हो सकते हैं है है? और वो वैल्यू आपको मीनस हमारा के का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों टेन लेकिन देखो बच्चों इसके अंदर एक चीज और बड़ी आगे इंटरेस्टिंग दे रखी है और वो क्या है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल अमंग सर्कल such that no two circle intersect then ठीक है ना ये जो सर्कल है उसमें से l सर्कल्स आपके पास में ऐसे हैं बच्चों मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दीज k सर्कल सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट मींस आपके ये जो 10 सर्कल है बच्चों इसमें से मैक्सिमम कितने सर्कल हो सकते हैं आपके सामने जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो देखो बच्चों हमने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास में ए, सेंटर सबके पता है रेडियस पता है सबको रेडियस तो आपकी ए एन से डिनोट हो रही थी और सेंटर आपके पास में एस एन माइनस वन से डिनोट हो रहा था तो जब आप यहाँ से से सर्कल बनाने स्टार्ट करोगे बच्चों तो सबसे पहला जो सर्कल आएगा उसका सेंटर जीरो कॉमा जीरो और उसकी रेडियस वन आएगी इस तरीके का एक सर्कल बनेगा फिर बच्चों जो अगला सेंटर आएगा ना उसका सर सेंटर बिल्कुल इसी के ऊपर होगा और उसकी जो रेडियस होगी ना वो इससे कम होगी मीन्स वन बाई टू आएगी तो वो आपका इस तरीके से जाएगा अब इसका जो अगला आएगा बच्चों इसको जब आप कैलकुलेट करके देखोगे उसका सेंटर बिल्कुल यहां पर आएगा और उसकी रेडियस इससे भी कम आएगी वो इस वाले सर्कल को तो इंटरसेट करेगा लेकिन पीछे वाले को नहीं करेगा और इस तरीके के आपके सामने टोटल कितने सर्कल बने हुए हैं बच्चों दस सर्कल बने हुए हैं तो इसमें से जो ऑल्टरनेट सर्कल्स होंगे बच्चों वो आपके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ऑल्टरनेट सर्कल बच्चों दस में से कितने हो सकते हैं आपके पास में पांच सर्कल हो सकते हैं और मैक्सिमम आपको निकालने की कितने होंगे तो मैक्सिमम पांच सर्कल्स ऐसे होंगे जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो थ्री के प्लस टू एल बराबर कितना हो गया फोर्टी और इससे आपके पास में ये जो D हो गया, वो आपका क्या हो गया सही हो गया क्लियर है ऐसे देखो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है उसमें और इसमें फर्क बस इतना सा है अगर देखो वापस आते हैं अपन पहले, तो इसके अंदर हमें आगे एक चीज और दे रखिये डी एन डी नॉट दर्कल विथ सेंटर एस, कॉमा एस एन माइनस वन कोमा एस एन माइनस वन एंड रेडियस ए एन ठीक है तो यहां पर देखो बच्चों, जब आप इस अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर आपके पास में जो सर्कल बनेंगे इस बार ठीक है ना उनकी रेडियस ये दे रखी है और वो डी एन से रिलेटेड है तो देखो बच्चों सोचना वैसे ही आपको बिल्कुल उस सर्कल सर्कल के अंदर सर्कल होंगे लेकिन इस बार सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो क्योंकि पिछली बार तो एक्स एक्सिस पे था तो वो जो एस एन माइनस वन था वही आपके पास में सेंटर्स की डिस्टेंस थी इस बार आएगा बच्चों आपके पास में रूट टू एस एन माइनस वन और प्लस ए एन और कंडीशन आपकी वही लगेगी लेस देन आर ठीक है ना जो पहले थी बच्चों रूट टू एस एन माइनस वन सिंपल है की जीरो से डिस्टेंस कितनी होती है रूट टू ए यहाँ पर सेंटर एस एन माइनस वन है इसलिए कितना हो जाएगा रूट टू एस एन माइनस वन अब आपको वही काम करना है उसी इनइक्वालिटी को वापस सॉल्व करना है जो हमारी जीपी थी वन वन बाई टू वन बाई फोर एंड सो ऑन तो एस एन कितना आया था टू इंटू वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन इसको यहाँ पे पुट कर दो तो देखो रूट टू टू रूट टू हो जाएगा ये एस एन कितना है मेरे पास एस एन माइनस वन निकालना है तो ये बन जाएगा मेरे पास वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन कितना बनेगा वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन और विल बी लेस देन आर आर कितना देर का देखो आर देर का है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो देखो रूट टू ऊपरिटी को सॉल्व करना है और आपको बताना है देन इन साइड एम एच ठीक है अगर ये देन नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स डी एन तो ऐसे कितने सर्कल्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर सिर्फ आपको सर्कल ही निकालने हैं इसमें दूसरी वाली चीज आपको कैलकुलेट नहीं करनी है तो देखो बच्चों ये तो कट जाएगा इसके साथ अब इसके बाद में इसके अंदर एलसीएम ले लीजिए ठीक है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर है आपके पास में माइनस का टू रूट टू डिवाइड बाय टू की पावर एन माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन की पावर एन माइनस और विल बी लेस देन माइनस रूट की पावर वन ठीक है इसको देखो बच्चों जब आप पूरी इनिक्वलिटी को सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने एक ऐसा रिलेशन आएगा टू की पावर एन विल बी लेस देन इधर मीन टू रू टू माइनस वन यहां पर कुछ पावर आएगी अलग आएगी तो इसमें देखो बच्चों जब आप करोगे तो इसमें कंपेरिजन नहीं कर पाओगे ठीक है तो इसमें काम करना ठीक है ना टू की पावर एन बच्चों अगर इससे लेस है ठीक है तो सिंपल सी बात है कि वो टू रू टू से भी लेस होगा और यहां से जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपका ये वाला जो आंसर होगा ये सीधा आ जाएगा डायरेक्ट बी ठीक है ना 199 सर्कल्स होंगे जो आपको क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर पावर कुछ अलग रहेगी बच्चों टू एन नहीं आएगी ठीक है ना एन माइनस क्योंकि 198 है ना इस पूरे फॉर्मेट में आएगी इस वाली इन को सॉल्व करने से क्लियर चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला देखो फिर आपके सामने आगे एक पैसेज था बहुत ही शानदार सा पैसेज ठीक है ये आपका कैलकुलस से रिलेटेड था इसमें आपको चार फंक्शन दे रखे हैं साई वन एक्स साई टू एक्स एफ एक्स और जी एक्स ठीक है और इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए एफ ऑफ जीरो और जी ऑफ जीरो दोनों आपको जीरो दे रखे हैं ठीक है आपको आगे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें करना क्या है उसके बाद में बच्चों हम आते हैं वन बाय वन अपने ऑप्शंस पे फंक्शंस को डील करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है चलिए देखते हैं तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चों आपको करना क्या है? देखो एफ लॉग रूट थ्री प्लस जी लॉग रूट थ्री मीन्स आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स का कुछ फंक्शन चाहिए और जिसके अंदर आपके पास में फिर आपको लॉग रूट थ्री पुट करना है देखना है कि वो वन बाय थ्री के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा सेकेंड ऑप्शन के अंदर बच्चों आपको साई वन एक्स और वन प्लस एल्फा एक्स वाला जो फंक्शन है उन दोनों में कंपेरिजन करना है कि वो क्या इसके बराबर होगा क्या फिर बात करें बच्चों सेकंड ऑप्शन में साई टू एक्स और साई वन के अंदर आपको रिलेशन निकालना है बीटा आपको दे रखा है जीरो से एक्स तो ऐसा कुछ आ रहा है क्या और लास्ट में बच्चों एप के बारे में बताना है एप का इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या इन द इंटरवल जीरो से थ्री बाई टू तो ये सारी बातें हमें वहां पे करनी है तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाई वन सबसे पहले हम डी ऑप्शन के बारे में बात कर ले ठीक है ना डी काफी सिंपल लग रहा है ठीक है चले आते हैं एफ फंक्शन एफ फंक्शन बच्चों ये है देखो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है ठीक है और ये मॉड टी है ये टी है तो पहले तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर टू टाइम जीरो से एक्स और क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और जीरो से एक्स लिमिट में हम आ गए हैं तो मॉड टी टी ही होगा सो टी माइनस टी स्क्वायर इंटू की पावर माइनस टी स्क्वायर है वो टी स्क्वायर इंटू डी टी

जीरो से थ्री बाई टू में इंक्रीजिंग होगा इसलिए ये ऑप्शन क्या हो हो गया गया। बच्चों? गलत ऐसे ही बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। ये पहला, सबसे पहले फोर्थ रिलेशन निकालना है साई वन एक्स क्या है देखो ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स विल बी ग्रेटर टू जीरो थीके? चलो आते हैं तो ये साई वन एक्स है और वन प्लस एल्फा एक्स इसमें आपको बताना है क्या एक्स ग्रेटर देन वन होगा देन देर एग्जिस्ट एल्फा वन से एक्स सच देट दिस विल बी इक्वल टू दिस तो देखो ध्यान से बच्चों अगर मैं इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो ये कितना आएगा वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स ठीक है और वन में से ये डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ये ऑल आवर फंक्शन होगा बच्चों ठीक है अगर मैं एक्स ग्रेटर देन वन की बात करूं तो वन पर ये कितना है 1 पर है ये 1 1 e और इसके बाद में ये फिर आपके सामने इसी तरीके से आगे चलेगा ठीक है या ये कहेंगे कि ये तो 1 है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ठीक है ना 1 के बाद में ठीक है तो ये जो वैल्यू होगी आपके सामने आ, ये कैसी होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी ठीक है तो अगर x भी 1 से बड़ा है और अल्फा भी 1 से बड़ा है ठीक है देन सच दैट साइ 1 x 1 अल्फा x ठीक है एल्फा को देखो अगर वन भी ले लेते तो ये क्या बन जाता है वन प्लस एक्स ठीक है और ये क्या है मेरे पास में ई e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ठीक है तो ये क्या कभी इसके बराबर हो सकता है क्या किसी एल्फा के लिए किसी एक्स के लिए तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसके अंदर एक्स प्लस वन ये क्या बन गया जैसे एल्फा को वन लेते हैं तो वाई बराबर एक्स प्लस वन ठीक है तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास में ये हमेशा वन से बड़ी होगी ठीक है और ये वाली जो वैल्यू होगी आपके सामने ठीक है ना इधर जो आपको फंक्शन में दी गई थी ई टू दावर माइनस एक्स प्लस एक्स ठीक है ना इू दावर माइनस एक्स प्लस एक्स ठीक है तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये इसके कंपेरिटिव में कैसी होगी ठीक है तो ये वन बनेगा माइनस ई e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स हमेशा मेरे को पता है इसकी रेंज क्या होती है ये होता है जीरो से इंफिनिटी ठीक है ना ये कैसा होता है जीरो से इनफिनिटी इसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से जीरो ठीक है और ये इसमें वन ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा माइनस इनफिनिटी से लेके वन तक सो माइनस इनफिनिटी से लेके वन तक हो सकता है और ये वाली वैल्यू हमें दिखाई दे रही है बच्चों जो ऑप्शन के अंदर जो दे रखी है ठीक है ना ये वैल्यू तो हमेशा 1 से कैसी होगी बड़ी होगी अगर अल्फा और x अगर आपके सामने ऐसे है तो ये वैल्यू तो हमेशा वन से बड़ी होगी और वन से बड़ी होगी ये हमेशा वन से छोटी है इसका मतलब ये दोनों चीजें कभी बराबर नहीं हो सकती ऐसे ही बात करते हैं बच्चों सी ऑप्शन के बारे में सी ऑप्शन जो सही ऑप्शन है आपका ठीक है उसमें देखो क्या दे रखा है उसमें आपको साई टू एक्स और इसके अंदर एक रिलेशन दे रखा है ठीक है तो उसमें देखो हम लेमनीज रूल लगाते हैं ठीक है ना जीरो से एक्स के अंदर साई टू के अंदर लेमनीज रूल लगा दे एल एम बी टी तो साई टू डेस एक्स बराबर कितना हो जाएगा साई वन डैश एक्स साइ वन एक्स माइनस साई आ, साई टू एक्स माइनस साई टू डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो ऐसा हो जाएगा अब देखो साई टू का डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो साई टू देर का है आपको यहां पर ये कितना आ जाएगा टू एक्स माइनस इसका हो जाएगा टू और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू इंटू टू दावर माइनस आ जाए तो ऐसा कुछ दे रखा है हमें पर इसमें से देखो कॉमन आ रहा है पूरे में से तो टू कॉमन आने के बाद में ये बन जाएगा मेरे पास ई टू दावर माइनस एक्स प्लस एक्स और साथ में माइनस वन और ये कितना दे रखा है मेरे पास ये दे रखा है मेरे को साई वन एक्स ठीक है ना ध्यान से इसीलिए देखो वहां पर वो साई वन एक्स के से रिलेटेड आ रहा है ठीक है अच्छा ये बीटा है आपका जीरो से एक्स में ठीक है ना तो साइड एस ऑफ बीटा ठीक है ना बीटा एक ऐसा लाई करेगा जो इसमें होगा और माइनस वन तो इसमें बीटा पुट कर दो और एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा देखो एक्स इंटू टू टाइम साथ में आ जाएगा आपका साई वन इंटू बीटा और माइनस वन और बराबर साई टू एक्स और माइनस साई टू जीरो ठीक है ना साई टू जीरो की वैल्यू कितनी होगी वो देखो हम निकाल सकते हैं यहां से साई टू जीरो निकालेंगे जीरो, ये जीरो और माइनस टू प्लस टू इसकी वैल्यू कितनी हो होगी जीरो हो जाएगी. तो ये आ जाएगा देखो बच्चों साई टू एक्स बराबर टू एक्स प्लस साई वन बीटा माइनस वन साई टू एक्स बराबर टू एक्स साई वन बीटा माइनस वन तो ये जो ऑप्शन है बच्चों ये आपका क्या है बिल्कुल सही है अब बात कर लेते हैं कि पहला ऑप्शन गलत है या सही तो पहला ऑप्शन कैसे चेक करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका क्योंकि हमें तो पता नहीं ना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है तो अभी हमने बी सी और डी को चेक किया ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमें पता चल गया कि जीरो से वन में है ये सही ऑप्शन है और ये गलत था क्योंकि एक वन से बड़ा था और एक वन से छोटा था लेकिन देखो बच्चों जो पहला ऑप्शन है उसको कैसे करेंगे उसको करने के लिए देखो आपको आ, क्या निकालना है एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है उसके लिए देखो बच्चों पहले ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें t को आप एल्फा स्क्वायर पुट करें तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा टू एल्फा डी एल्फा तो ये जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो कितना होगा देखो जी एक्स बराबर कितना आ गया आ, लिमिट चेंज कर दो जीरो से लेकर के टी को मैंने क्या मान लिया एल्फा ठीक है तो जब देखो टी एक्स होगा ठीक है ना तो अल्फा इसमें कितना दे रखा था मेरे को स्क्वायर दे रखा था ठीक है ना एक्स तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों हो जाएगा तो जीरो से एक्सर रूट टी कितना बच्चों टी को मैंने अल्फा स्क्वायर लिया था सो ये अल्फा हो जाएगा ई टू दावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर टू आ जाएगा एल्फा इंटू डी एल्फा तो ये आ जाएगा बच्चों टू टाइम जीरो से एक्स अल्फा स्क्वायर इंटू टू पावर माइनस एल्फा से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा, कौन सा फंक्शन है जी एक्स एफ एक्स मेरे पास में सीधा दे रखा है ई वन फंक्शन है जीरो से एक्स ये टी था सो टी इंटू टू दी पावर माइनस टी स्क् और माइनस टी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर टू टाइम ठीक है अब मेरे को क्योंकि उस ऑप्शन में एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना था तो इसको और इसको ऐड कर दो तो ऐड करोगे देखो इससे ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो सिंपल आपके सामने ये वाला इंटीग्रेशन बचेगा टू टाइम जीरो से लेकर के x और इधर देखा आपको टी इंटू ई टू ठीक है इसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो टी स्क्वायर को सब्सट्यूट करेंगे ठीक है आ, सो टू टी, टी स्क्वायर को वापस सब्सट्यूट कर लिया बीटा ठीक है माइनस टी स्क्वायर को कर लो सो टी डी टी कितना हो जाएगा माइनस डी बीटा बाई टू टू से टू कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा टी डी टी ई टू दी पावर बीटा इन टू डी बीटा और बाई टू से टू तो कट गया बार माइनस साइन और इसमें लिमिट पुट कर दो जीरो से एक्स तो ये आ जाएगा आपका वन माइनस ई की पावर एक्स अब इसमें बच्चों आपको क्या पुट करना है इसमें आपको लॉग थ्री पुट करना है ठीक है अच्छा इसकी जो लिमिट जब वापस पुट करेंगे ठीक है तो यहां पर माइनस साइन आएगा तो यह बनेगा आपका वन माइनस ई टू दी पावर लॉग थ्री बार माइनस साइन सो वन माइनस वन बाई थ्री सो दैट विल कितना आएगा टू बाई थ्री आएगा बट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है हमें वन बाई थ्री दे रखा है इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसके लिए आपको में, जो मेन काम जो था वो क्या करना था दोनों फंक्शन को एड करना था क्लियर अब बात कर लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए अगेन जो पहला और दूसरा पार्ट है वो काफी सिंपल है ठीक है ना जो पहला जो फंक्शन है उसकी हमने अभी अभी रेंज निकाली थी ठीक है वो कैसे आ रहा था वो आ रहा था आपके पास में वन से ग्रेटर आ रहा था ठीक है तो कैसा आ रहा था उसकी वैल्यू वन से ग्रेटर जबकि हमें यहां पर क्या दे रखा है कि साई वन एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू ठीक है तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ये कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसे ही आप दूसरे वाले का जो फंक्शन था वो भी बड़ा आसान है ठीक है ना उसको भी आप चेक कर सकते हो साई टू एक्स जो आएगा वो जीरो से बड़ा आएगा जीरो से छोटा नहीं आएगा उसको आप इंक्रीज करके देख सकते हो बाकी चलो एक बार देख लेते हैं दोबारा ये था हमारे पास ये क्वेश्चन तो देखें तो साई वन बराबर कितना पावर माइनस एक्स माइनस प्लस वन सो तो वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स ठीक है तो से हमें ये पता चलेगा कि ये फंक्शन कैसा है हमारा ई टू पावर माइनस एक्स पर ये कितना होगा इन ठीक है ना ये कितना होगा एक्स टेनिंग टू जीरो पर आ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन और उसके बाद में ये किधर आएगा हमारे पास में आ, ये वैल्यू डिक्रीज uh, होती रहेगी ठीक है तो इसके, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा तो यहां से क्या आएगा साई वन एक्स विल बी ग्रेटर देन साई वन जीरो और साई वन एक्स जो है हमारे पास में वो तो है ही और साई वन जीरो की वैल्यू क्या आएगी वन तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन रहेगा ठीक है जबकि हमें यहां पर क्या दे रखा है ऑप्शन में लेस देन और इक्वल टू वन इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसे ही आप दूसरे वाले में यूज करना ठीक है उसके अंदर क्या करोगे इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसके अंदर इसका यूज कर लेना ठीक है ना इसका यूज करोगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की जगह पर लेस देन और इक्वल टू वो जो है आपका रिवर्स आएगा बिल्कुल ऑप्शन ठीक है लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा है जिससे ग्रेटर देन इक्वल टू वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा ऐसे देखो आपको एफ एक्स और gx को कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूं एफ एक्स और जी एक्स के लिए देखो आपको यहां पर क्या करना है क्योंकि पर इनइक्वालिटी आ रखी है तो ये जो है ना इसके अंदर आप क्या करेंगे इसके अंदर आप इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे ई e की पावर माइनस टी का तो यह आएगा वन माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू ठीक है फिर माइनस टी और आता है वहां पर ठीक है और माइनस टी आता है तो अभी देखो ये जो एक्सपेंशन है ये क्या है ये पूरा एक्सपेंशन नहीं है अगला जो टर्म आएगा क्योंकि हमें देखो वहां पर कितनी टर्म चाहिए हमें यहाँ पर सिर्फ तीन ही टर्म चाहिए मीन इतना ही चाहिए तो अगर अब मैं सिर्फ इतना लिखूंगा ठीक है ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों ये जी एक्स से कैसी हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी क्यों क्योंकि जी एक्स तो अभी इसमें से और मैं कुछ घटाता तब उसके बराबर होता तो अभी तो मैंने उसमें से चीज घटाई नहीं घटाई नहीं मैं ये वैल्यू इससे क्या है, है। मल्टीप्लाई करके और इसको जीरो से पावर थ्री बाई टू बाहर आ जाएगा टू बाई थ्री देंगे एक्स स्क्वायर जीरो से एक्स स्क्वायर ऐसे यहां पर टी माइनस रूट टी है तो यह बन जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू तो यहां से फाइव बाई टू आएगा टू की पावर फाइव टी की पावर फाइव बाई टू इसमें भी लिमिट पुट कर दो यहाँ पर कितना है टू और फाइव बाई टू तो ये कितना हो जाएगा सेवन बाई टू एक टू नीचे से था तो टू से टू कट जाएगा तो ये आ जाएगा t 2, इसमें भी कर दो. X तो ये टू तो, तो सब जगह से कट जाएगा तो ये बिल्कुल यही आएगा आपके पास में टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव और बिल्कुल वन बाई सेवन एक्स की पावर सेवन ऐसे ही बच्चों ऊपर वाले के अंदर भी आंसर तो बिल्कुल ये आएगा लेकिन इनिक्वलिटी का जो साइन आएगा ना वो आपका ये वाला ही आएगा लेस देन वाले का आंसर तो बिल्कुल ये इसके साथ में आपका मैच कर जाएगा लेकिन ये सेम आंसर आएगा इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि साइन कैसा आएगा यहाँ पर रिवर्स आएगा ये वाला साइन नहीं आएगा क्लियर तो पहला तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए और चौथा ऑप्शन कैसा हो गया सही हो गया ठीक है अब चल लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है देखो हमारा

और मल्टीपल ऑफ सेवन या तो तीन का मल्टीपल या सेवन का मल्टीपल देखो बच्चों यहां पर जो ये होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जो या या का साइन होता है है क्यों क्योंकि के अंदर हमें क्या हो सकता है? दोनों में से कोई सी भी चीज आ सकती है ये भी करेक्ट हो सकता है ये भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते तो इसको हम कैसे करते हैं आप सबने बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे बच्चों थ्री का निकालेंगे फिर सात के नंबर्स निकालेंगे कितने होंगे और फिर माइनस कर देंगे जो दोनों के इंटरसेक्शन में होंगे क्योंकि उसका रिपीटेशन हो जाता है तो सात इंटू तीन इक्कीस वाले इसमें से कर देंगे अब ये बच्चों आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो सारे नंबर थ्री से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे टू थाउजेंड को थ्री से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों ट्रिपल सिक्स सेवन से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे बच्चों सात से डिवाइड करो सेवन इंटू टू फोर्टीन कितना बचेगा सिक्स सिक्सटी सेवन इंटू एट फिफ्टी सिक्स उसके बाद फोर फोर्टी टू एट्टी फाइव आएंगे बच्चों माइनस ट्वेंटी वन से डिवाइड करो ट्वेंटी वन से देखो कितना आएगा वन एट्टी नाइन नाइन उसके बाद में आएगा बच्चों आपके पास में इलेवन वन वन जीरो फाइव नाइनटी फाइव नंबर ऐसे होंगे जो ट्वेंटी वन से डिविजिबल होंगे इनको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है देखिए ये आएगा बच्चों ट्रिपल सिक्स और एटी फाइव में से नाइन्टी फाइव वन नाइनटी तो इसको एड करो देखो कितना आ रहा है सिक्स नौ प्लस दस छ दस पाँच पंद्रह छ सात और एक आठ एट फिफ्टी सिक्स इतने नंबर होंगे बच्चों या तो वो थ्री से डिविजिबल होंगे या सेवन से होंगे और या फिर दोनों से डिविजिबल होंगे हमें बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी बराबर कितना होगा बच्चों टोटल एट फिफ्टी सिक्स और डिवाइड बाई टू थाउजेंड टोटल कितने नंबर है टू थाउजेंड देखो बच्चों फाइव हंड्रेड पी को करना है तो इसको फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो so फाइव हंड्रेड पी बराबर हो जाएगा एट फिफ्टी सिक्स इसको बच्चों अगर फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चार से आपका और डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा टू वन फोर दो सौ चौदह ये आपका क्या होगा बच्चों सही आंसर तो बड़ा आसान क्वेश्चन था और खास करके बच्चों एडवांस के अंदर जो लास्ट सेक्शन होता है ना उसके क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं पहले पेपर में भी बड़े आसान क्वेश्चन आए थे दूसरे में भी बड़े सिंपल है आपको इसी तरीके से इन ऑप्शन को देखना इन क्वेश्चनों को पहले सोल्व करना कंपेयर जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे ना उनसे पहले ठीक है हमेशा ये क्वेश्चन इजी आते हैं अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे सिंपल अगेन एक क्वेश्चन तो ये जो ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आए ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बड़े आसान आए हैं 16 9 1 For any three distinct point, p q and q dash, देखो ये कोई एक है बच्चों इसके ऊपर कोई तीन पॉइंट है मेरे पास में q क्यूडेस q और p कहीं पर भी ले लीजिए कोई भी जनरल पॉइंट q q डेस और p ऑन ई लेट p q बी दी मिड पॉइंट ऑफ line सेगमेंट joining p एंड q ये P और Q को ज्वाइन कर दिया ये P और Q डैश को ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद में इस पॉइंट Q को Q डैश से भी ज्वाइन कर दीजिए सो so, करने के बाद में देखो कितना आ रहा है uh, यहाँ पर देर का पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q एंड M P और Q डैश का मिड पॉइंट है P और Q डैश का मिड पॉइंट है M विद द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q डैश देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्टिंक्ट बिटवीन एम पी क्यू एंड एम पी क्यू डेस देखो एक मिड पॉइंट इसका है और एक मिड पॉइंट इसका है तो आपको ये पूछा है कि बच्चों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है ठीक है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये मिड पॉइंट है बच्चों एम और एम डेस क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट एक पी का है और एक पी का है ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स है ठीक है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी जो उसके करस्पॉन्डिंग एम एम डेस इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हाफ ऑफ क्यू क्यू डेस और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बच्चों जब Q और Q डेस आपका कहां पे लाई कर जाए Q और Q डेस आपके पास में कहां पे हो जाए मेजर एक्सिस पे हो जाए और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी A4 है तो इसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों तो ये हो जाएगा आपके पास वन बाई टू इंटू एट इक्वल टू फोर तो एक तो आपके है, Q और Q आ जाएंगे मैक्सिमम क्योंकि इस में जो सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट जो लेंथ बन सकती है वो किसके बराबर हो सकती है मेजर एक्सिस के बराबर हो सकती है क्लियर चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्या है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये पूरी क्वांटिटी जीरो के बाद में जीरो पर तो कितनी है जीरो और उसके बाद में ये वन कब होगी तो ये वन कब होगी बच्चों जब टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन भी कितना होगा बच्चों वन होगा तो यहां से टेन एक्स बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वन सो नाइन एक्स बराबर वन सो एक्स बराबर वन तो पहली बार बच्चों ये वन बाई पर वन होगा और उसके पहले इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा जीरो इसके बाद में बात करते हैं बच्चों से लेकर के कब कब होगी होगी ठीक है ना तो आइए देखते हैं तो बच्चों ये वैल्यू टू कब होगी क्योंकि रूट है जब इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी एक्स प्लस वन बराबर फोर सो तो टेन एक्स बराबर फोर एक्स तो प्लस फोर और यहां से मिल जाएगा हमें सिक्स एक्स बराबर फोर एक्स बराबर टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री पर बच्चों ये कितना होगा वन होगा और अगर ये वन होगा तो इसके बाद में फिर आगे चलते हैं और टू बाई थ्री के बाद में देखते हैं कि ये टू कब होगा जब बच्चों अंदर वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी और ये नाइन कब होगी देखो टेन एक्स बराबर नाइन एक्स प्लस नाइन तो एक्स बराबर नाइन पे होगी बच्चों x बराबर नाइन के ऊपर बड़ा नंबर आएगा ठीक है, है, है। so तो, तो ये क्वांटिटी तो हो जाएगी आपके पास में थ्री अब इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो चार इंटीग्रेशन है इन चारों इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें इनका सम करना है इसका आंसर जीरो आएगा यहां पर इसका इंटीग्रेशन x होगा और इसमें लिमिट पुट कर दीजिए वन बाई नाइन से टू बाई थ्री प्लस टू टाइम इसका इंटीग्रेशन भी x लिमिट नाइन से टू बाई थ्री और यहां पर इसका इंटीग्रेशन थ्री एक्स और इसमें लिमिट है मेरी टेन से लेके नाइन तक देखो कैलकुलेट करते कितना आ रहा है टू बाई थ्री माइनस वन बाई नाइन इसके बाद में सेकेंड लिमिट पुट करते हैं नाइन इंटू टू दैट विल बी एटीन और यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस फोर बाई थ्री और इसी के साथ लास्ट वाली कैलकुलेट करते हैं थर्टी माइनस ट्वेंटी सेवन दैट विल बी थ्री सो देखो टोटल आंसर कितना आ गया एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन और जो रिमेनिंग पार्ट है या पूरे में से नाइन एलसीएम ले लेते हैं सो ट्वेंटी वन इंटू नाइन नाइन एल आ जाएगा थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री इंटू टू सिक्स माइनस वन

और ये था हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्लियर है ओके थैंक यू वेरी मच